देखिए, बात कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। जब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक कहानी क्या है कि ये जिस रीजन से बिलोंग करता है वो भी रीजन कौन सा है? रेडियो वेव्स। कौन सा है? रेडियो वेव्स। दूसरा, हमने बात की थी कंडीशन फॉर एनएमआर एक्टिव। हमने कहा था न्यूक्लियाई हुज न्यूक्लियर स्पिन आई ग्रेटर देन जीरो, मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो है। हाँ जी, कैन गिव्स एनएमआर। उसकी जो अपनी खुद की परिस्थितियां होंगी वो आगे बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल क्या चेंजेस करने पड़ते हैं अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए एनएमआर लेने के लिए, आगे बात करेंगे। पर न्यूक्लियाई एनएमआर दे सकता है, बशर्ते उसके न्यूक्लियर स्पिन आई का मान ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं बार बार सी में, तो हम न्यूक्लियाई को दो कैटेगरी में बांटेंगे, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई और एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई। क्लियर है? एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई को हम मैग्नेटिक न्यूक्लियाई भी बोलते हैं और एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाइज को हम नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो न्यूक्लियाई बेसिकली हमारे दिमाग में दो तरह के होते हैं, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई और नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। बात क्लियर है? क्या बोल रहे हैं हम? न्यूक्लियाई दो तरह के होंगे, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस आप ऐसे बोल सकते हैं, चलेगा आपके। एक है हमारा मैग्नेटिक न्यूक्लियाई और दूसरा है हमारा नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। इसे हम एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई बोलेंगे, इसे हम एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्लियर? मैग्नेटिक न्यूक्लियाई कौन से होते हैं जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन आई ग्रेटर देन जीरो होता है, या कहूं नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई वो होते हैं जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन आई जीरो होता है। क्लियर है? ये एनएमआर दे सकते, ये एनएमआर नहीं देंगे। ओके है? अब आप देखिए, हमने दो पॉइंट उठाए थे कि न्यूक्लियाई एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बोथ आर इवन। कौन कौन? एक तो एटॉमिक नंबर और दूसरा मास नंबर, दोनों क्या हैं? इवन। हाँ जी, हैव आई इज इक्वल टू जीरो एंड दे आर एनएमआर इनएक्टिव, मीन्स नॉट गिव एनएमआर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन एनएमआर नहीं देगा। वो नहीं देंगे जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या होता है? इवन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, क्या बताया था? टू एच ई फोर
कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। देखिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या है, इवन। इन सब के लिए I इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। सिंपली हम कह सकते हैं न्यूक्लियाई हुज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ इवन, क्या होगा, I इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास नंबर होता है और प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है आपका। तो एटॉमिक नंबर इवन तभी होगा जब प्रोटॉन की संख्या इवन होगी। अब प्रोटॉन अगर इवन है तो मास नंबर तभी इवन होगा जब न्यूट्रॉन भी इवन हो, और दो इवन का टोटल इवन ही आता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं जिनके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याएं इवन होती है उनका आई जीरो होता है, बाकी सबका आई नॉट जीरो आता है। क्लियर रहेगा दिमाग के अंदर, क्लियर कट बात है। एक व्यवहार और देखने को मिलता है कि हम ये कहते हैं कि मास नंबर में चार का पूरा भाग जा रहा होगा, आई जीरो, और जिनमें चार का पूरा भाग नहीं जाता उसमें आई नॉट जीरो। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इसको पत्थर की लकीर की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे, पर एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जिनमें जिनके मास नंबर में चार का भाग जा रहा होता है उनका आई जीरो निकलता है, और जिनमें चार का पूरा भाग नहीं जाता उनका आई जीरो नहीं निकलता। तो हम उस सेंटेंस को इतनी मजबूती से नहीं बोलते जितनी मजबूती से इन सेंटेंसों को बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर मास नंबर इवन है तो आई जीरो होगा, खत्म बात। या न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या इवन है तो भी आई जीरो ही आएगा, बाकी सबका आई नॉट जीरो आता है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब हम कहते हैं कि आई जीरो वाले तो हो गए, लेकिन जिनका आई जीरो नहीं है उनका आई क्या होगा, या तो हाफ इंटीग्रल्स में आता है या फुल इंटीग्रल्स में आता है, मीन्स हाफ, वन, थ्री बाई टू, टू, फाइव बाई टू, सेवन बाई टू, इस तरह से आई के मान होते हैं। क्लियर। तो हमने कहा था जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होता है, कौन सा न्यूक्लियाई है, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, इसे हमने एनएमआर एक्टिव भी बोला है। ये बेसिकली दो तरह का होता है जिसकी हमने बात की थी आपसे, और वो कौन सा है, एक है नॉन क्वाड्रोपोल और दूसरा है क्वाड्रोपोल। मैग्नेटिक न्यूक्लियाई दो तरह के होते हैं, एक है नॉन क्वाड्रोपोल, दूसरा है क्वाड्रोपोल न्यूक्लियाई। बात ओके है, आइए जरा क्या कहते हो कि जो नॉन क्वाड्रपोल होते हैं हमारे, इनकी खासियत क्या है कि इनके लिए आई का मान हाफ होगा, न्यूक्लियर स्पिन आई का मान। क्योंकि मैग्नेटिक न्यूक्लियाई बोला हुआ इसलिए जीरो वाले की बात करेंगे नहीं यहां पर, और जो क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई है आपका जी कौन सा है, क्वाड्रपोल न्यूक्लिया है, इनके लिए आई का मान ग्रेटर देन हाफ होगा, या कह सकते हो आई का मान इक्वल और ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि हाफ के बाद नेक्स्ट वन ही आता है, थ्री बाई टू नहीं आता है। जैसा कि एक क्वारी थी हमारे पास में, वैल्यू कैसे चलेंगी, हाफ, वन, थ्री बाई टू, टू, फाइव बाई टू, इस तरह से। तो या तो हाफ से ज्यादा बोलूं या वन और वन से ज्यादा बोलूं, एक ही बात है। ओके, इनकी खासियत क्या है, ये स्फेरिकल होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं ये स्फेरिकल, जबकि ये कैसे होते हैं नॉन स्फेरिकल। ये न्यूक्लियाई शेप में नॉन स्फेरिकल होते हैं, जबकि ये न्यूक्लियाई शेप में कैसे होते हैं, स्फेरिकल। अब नॉन स्फेरिकल में दो शेप संभव है, या तो ये वाली प्रोलेट बोलते हैं एग शेप, या डिस्क शेप संभव है, प्रोलेट ओब्लेट। हम कहते हैं इनके लिए क्वाड्रपोल मूवमेंट का मान नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जबकि इसके लिए क्वाड्रपोल मूवमेंट EQ
एनक्यूआर में पढ़ाऊंगा क्या होती है, अभी जरूरत नहीं है इसकी। ईक्यू का मान जीरो होता है, बात क्लियर। नॉन क्वाड्रोपोल न्यूक्लियाई स्पेरिकल सिमेट्री की नहीं होती, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है न्यूक्लियस का वो यूनिफॉर्म नहीं होता, जबकि इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस का यूनिफॉर्म होता है, इसलिए स्पेरिकल होते हैं। और ये जब अपनी एक्सिस पे स्पिन करते हैं तो क्वाड्रोपोल मूवमेंट नहीं आता, जबकि इसमें क्या आता है, क्वाड्रोपोल मूवमेंट, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मीन जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, जीरो से कम भी हो सकता है। एनक्यूआर में पढ़ेंगे प्रोलेट के लिए कम होता है जीरो से, कि ऑबलेट के लिए कम होता है जीरो से, अभी उसकी नीड नहीं है अपन को। अभी तो सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ये स्पेरिकल शेप के न्यूक्लियाई होते हैं जबकि ये नॉन स्पेरिकल शेप के न्यूक्लियाई होते हैं। ये शार्प एनएमआर सिग्नल देते हैं जबकि ये, हाँ जी, ब्रॉड एनएमआर सिग्नल देते हैं। ये शार्प एनएमआर सिग्नल देते हैं जबकि वो ब्रॉड एनएमआर सिग्नल देते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? आई, क्या बात की थी इसमें? देखिए, इनके जो सिग्नल हैं वो शार्प होते हैं जबकि इनके सिग्नल ब्रॉड होते हैं। और इसके शार्प सिग्नल क्यों होते हैं? बिकॉज, हाँ जी, रिलैक्सेशन टाइम, इज हाई, हाई कह दें, लार्ज कह दें, और आपको पता है न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी, इसी को तो रिलैक्सेशन टाइम बोला है अपन ने। रिलैक्सेशन टाइम जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टी, वो ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा एक्साइटेड स्टेट में, सिग्नल उतना ही शार्प होगा, मीन्स ये विड्थ उतनी कम आएगी। जबकि यहां पर कारण क्या है, रिलैक्सेशन टाइम इज स्मॉल, रिलैक्सेशन टाइम कैसा है, स्मॉल। अब ये कम होगा तो ये लार्ज होगा, सो डेल्टा न्यू इज लार्ज। कई बार तो ये इतना ब्रॉड होता है कि डिटेक्ट ही नहीं होता है। तो क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई ब्रॉड एनएमआर सिग्नल देते हैं जबकि नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो शार्प एनएमआर सिग्नल देते हैं। ये काम का सेंटेंस है हमारे लिए, क्लियर। इसमें कौन से न्यूक्लियाई आते हैं, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। यहां से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, चीज को ध्यान दीजिए। आई हाफ वाले, आई हाफ वाले कौन है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। प्रोटॉन H1, C13, F19, P31, नाइट्रोजन 15, Xenon 129 इत्यादि। बहुत फेमस ये शुरू के चार होते हैं, इनका आई हाफ होता है। जबकि इधर कौन से आएंगे, जिनका आई वन या वन से ज्यादा होगा। अभी हम काम काम के न्यूक्लियाई के आई आपको मेंशन कराएंगे, पूरा लिखाएंगे कि किनका आई वन होता है, किनका 3/2 है, किनका हाफ है, जो हमारे काम आएंगे आगे। ओके है, तो उस चीज को लेके परेशान नहीं होना है। देखिए, हम कह रहे हैं ड्यूटेरियम, डी लिखूं या H2 लिखूं वो मेरी मर्जी है, हाँ जी। हम कह रहे हैं अपने बोरॉन 10, बोरॉन 11, नाइट्रोजन 14, हम कह रहे हैं क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ब्रोमीन 79, ब्रोमीन 81, बहुत है। और आगे जब हम काम लेंगे तो उसकी बात करेंगे। ये सब वो न्यूक्लियाई हैं जिनका आई हाफ से ज्यादा है, या तो 1 है, या 3/2 है, या 5/2 है, जो भी है। अभी मैं बात करूंगा किसका क्या होता है, क्लियर है मेरी बात।
तो आपको अबुल साहब हमें कैसे याद रहेगा कि किसका वन होता है किसका हाफ होता है? टेंशन मत लो, जब पीरियोडिक टेबल याद हो सकती थी तो बहुत छोटे से लोग हैं, सब याद होंगे। जब माथे पे आती है तो अच्छी अच्छी चीज याद हो जाती है, टेंशन ना लें आप। क्वेश्चन क्लियर है, लेआउट क्लियर यहां तक? अब देखिए हम कह क्या रहे हैं उसे समझना। हम सिंपली ये कहते हैं कि ये तो बात हुई न्यूक्लियाई की, कि मैग्नेटिक न्यूक्लियाई एनएमआर देते हैं, और मैग्नेटिक न्यूक्लियाई दो तरह के होते हैं, एक क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई और दूसरे नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई। नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई शार्प सिग्नल देते हैं, जबकि क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई ब्रॉड सिग्नल देते हैं। अब हम पहले बात करेंगे यहां पर कि एनएमआर स्पेक्ट्रम आता कैसे है, स्पेक्ट्रम लिया कैसे जाता है, और इसकी जनरल थ्योरी क्या है। शुरू करते हैं यहां से, हम अपन क्या कह रहे हैं, हाँ जी, जनरल थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरल थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर रहेगी मेरी बात, क्या है थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए ये थ्योरी क्या कहती है, हम ये कहते हैं कि हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन को और फिर इसको कंपेयर करेंगे किसी के भी साथ। सपोज कीजिए हम ले रहे हैं H1NMR को एग्जांपल लेके हम अपनी बात कर रहे हैं। H1NMR आपको पता है न्यूक्लियर स्पिन आई का मान क्या है, हाफ। समझना सेंटेंस को, हम ये कहते हैं कि जब तक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, जो ये न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं ये डीजनरेट रहते हैं। दोबारा सुने, जब तक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तब तक न्यूक्लियर एनर्जी लेवल, न्यूक्लियर ट्रांजिशन ही तो होता है, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स कैसे रहते हैं, रिमेन्स डीजनरेट। मींस ये मेरा कोई हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, स्पिन जो भी है इसका I इज इक्वल्स टू हाफ है। जब तक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को मैं एच नॉट बोल रहा हूं, आप दूसरा सिंबल भी ले सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। तब तक ये जो न्यूक्लियर लेवल्स हैं ये कैसे है, डीजनरेट है। सेम एनर्जी डिफरेंट स्टेट कॉल्ड डीजनरेट स्टेट। लेकिन जैसे ही हम अप्लाइड एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये डिजनरेसी क्या हो जाती है, रिजॉल्व। मैग्नेटिक फील्ड में किसी चीज का स्प्लिट होना जीमान स्प्लिटिंग, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चीज का स्प्लिट होना स्टार्क स्प्लिटिंग, जानते हो बड़ा फेमस नेम है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, ध्यान से, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स है इसकी डिजनरेसी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, या कहूं रिजॉल्व हो जाती है। कब हुई, जैसे ही मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया। तो क्या कहेंगे, जब तक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई डीजनरेट न्यूक्लियर लेवल्स के अंदर रहते हैं, एनर्जी लेवल्स के अंदर। और जैसे ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ये डीजनरेसी क्या हो जाती है, रिजॉल्व। कितने में स्प्लिट होगी, 2i+1 में। कितने में स्प्लिट होगी, 2i+1। आई का मान कितना है, हाफ। तो 2i+1 क्या होगा भैया, शायद मुझे नहीं आता, दो होगा, 2i+1। तो दो लेवल में आ गई। अगर आई का मान वन होता तो कितने में जाता, तीन लेवल में जाता। इस तरह से मेरी बात समझ रहे होंगे, कितने में स्प्लिट होगा, डीजनरेसी रिजॉल्व कितने में होगी, 2i+1 में। आई पे डिपेंड करता है। आइए हम ये कह रहे हैं, अब ये जो आई हाफ वाले न्यूक्लियाई है, इनमें से वो न्यूक्लियाई अकेला थोड़ी है, बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्योंकि सैंपल मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे लेंगे, अकेले की तो बात ही नहीं कर रहे, मैं तो एक सिंबल दिखाया है। तो ये न्यूक्लियाई है जिनका न्यूक्लियर स्पिन का डायरेक्शन अलाइन टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है, ध्यान से सुनना। वो न्यूक्लियाई इनमें से जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होंगे वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, और जिनका अपोज टू न्यूक्लियर स्पिन जो है खुद का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में जाएगा वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। क्लियर है दिमाग में? आप अगर सिंपली, सबसे सिंपल बुक कहलाती है वाई आर शर्मा, आपकी अपनी बुक कहलाती है, अपनी वाली भाषा में बोलता है, हमारी जैसी खतरनाक इंग्लिश है ना, तो हमें वाई आर शर्मा सूट करती है सबसे पहले, जो हिंदी मीडियम वाले ध्यान दो मेरे जैसे, बाद में हम फिर सिल्वरस्टीन को उठाते हैं, जिसे हिंदी अखबार भास्कर पढ़ने के बाद हम टाइम्स ऑफ इंडिया समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि फोटो देख के आधा समझ आ जाता है कि तो वो वाली न्यूज है जो उसमें थी।
समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम जब कहते हैं कि साहब मीडियम चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं वाई आर शर्मा पढ़ो पहले, फिर सिल्वर स्टीन उठाना, वही चीज। तो मैं जो कह रहा हूँ उसे समझना। वहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ पर रहते हैं, इनका डायरेक्शन क्या होता है, हम कहते हैं जिगजैग नेचर में रहते हैं। कैसे रहते हैं, जब तक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, इनका डायरेक्शन क्या रहता है, जिगजैग, जिसकी जहां मर्जी उधर मुंह करके घूम रहे होते हैं, रेंडम होता है। तो एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे डायरेक्शन में आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखा देगा। और हम कहते हैं जैसे ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ये दो ओरिएंटेशन में अरेंज हो जाते हैं, कुछ अलाइन हो जाते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, कुछ अपोज हो जाते हैं। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से पहले इसका डायरेक्शन क्या रहता है, इनका जिगजैग, किधर रेंडम मोशन रखते हैं, कोई किधर ही घूम रहा है। लेकिन जैसे ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, दो ओरिएंटेशन आएंगे, कुछ अलाइन आएंगे इसके, और कुछ, मेरी बात समझ आई, अप्लाइड के अलाइन और अप्लाइड के अपोज। इस पे बहुत ज्यादा सीरियस मत होना कि सब अलाइन वाले का स्पिन यूं है या यूं है, वो एक जो स्पिन इसका, इसका बिल्कुल अपोजिट स्पिन दिखा रहा है, मेरा मोटो सिर्फ यहां पर ये है। तो कुछ न्यूक्लिया है किसके अलाइन हो जाएंगे, अप्लाइड फील्ड के, वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, और जो अपोज स्पिन में होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक न्यूक्लियाई का मतलब जब वो खुद की स्पिन पे घूमते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं छोटा सा, इसलिए इन्हें मिनी बार मैग्नेट भी बोलते हैं। तो अगर इसकी फील्ड का, इसका फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो इसको मैं अलाइन बोल रहा हूं, और अपोज है तो, क्लियर है, इसे हम अल्फा स्टेट बोल देते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ऊपर वाले को अल्फा बोलो नीचे वाले को, बोल दिया मैंने मेरी मर्जी, इसे हम बीटा स्टेट बोल रहे हैं। आप नाम उल्टे भी लिख सकते हो, कोई आईयूपीएससी तो कह के गया नहीं कि ऊपर वाले को ही अल्फा बोलना है, इसको रामलाल और इसको मोहनलाल स्टेट बोलिए, कोई मना नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से स्टेट को कौन सा नाम दिया है। मीनिंग क्लियर है? तो इसको बहुत सीरियस ना ले कि इसका नाम ये दिया है। देखिए, हम ये कहते हैं कि जो एमआई होगी, ये होती है प्लस हाफ, ये होगी माइनस हाफ। क्यों? आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होता है तो एमआई के मान ही तो आएंगे, अगर एल की स्प्लिटिंग होती है तो एमएल आता है, एस की स्प्लिटिंग होती है तो एमएस आते हैं। आई था मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो स्प्लिटेड लेवल्स को किससे डिनोट करोगे आप, एमआई, समझ रहे होंगे, वही एल का स्प्लिटिंग 2L प्लस 1 में या 2I प्लस 1, 12वीं क्लास पढ़ी है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सारा खेल वैसा कि वैसा चलता है। यहां कौन था उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाता है। क्लियर? इसको मैंने प्लस हाफ बोला, इसको मैं वही, एक एक के अंतर से आते। चलिए अब देखिए गौर से, हम ये कह रहे हैं ध्यान से, जब लोअर मींस बीटा स्टेट से न्यूक्लियाई कहां जाएगा, अपर स्टेट के अंदर, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डेल्टा ई एच, और ये होती है जी बीटा एच नॉट। यही तो रेजोनेंस कंडीशन है। यहां से लोअर जीमान लेवल से अपर जीमान लेवल में जाएगा, जीमान लेवल ही कहलाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हुए, लोअर जीमान से अपर जीमान में जाएगा, यही तो वो एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें ट्रांजिशन होना है। सिलेक्शन रूल क्या कहलाएगा मेरा, डेल्टा एम आई प्लस माइनस वन, एक लेवल का अंतर होना, एक का अंतर होना चाहिए दोनों में, देखो माइनस हाफ प्लस हाफ में एक का अंतर है। तो सिंपल, जब लोअर लेवल से अपर लेवल में जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी कहां से आएगी, रेडियो वेव्स से, तभी तो एनएमआर बिलोंग्स टू रेडियो वेव्स, मैंने शुरुआत में बेसिक में बताया था, डिस्क्रीट लेवल यहां से यहां, वही तो एब्जॉर्प्शन होता है, जो रेडिएशन आप डालते हो उसमें से सुटेबल फ्रीक्वेंसी कौन होगी, जो इस गैप के इक्वल होगी, और यहां वो गैप कौन है, ये। क्लियर? तो रेजोनेंस कंडीशन क्या है, मींस रेजोनेंस कब होगा, जब लोअर स्टेट से न्यूक्लियाई कहां जाएगा, अपर स्टेट के अंदर, इसी को आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस। स्पिनिंग न्यूक्लियाई रेजोनेंट कर रहा है, इसलिए नाम पड़ गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक न्यूक्लियाई क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। रेजोनेंस का मतलब समझ आया, लोअर लेवल से अपर लेवल में जाना, यही आपके लिए क्या है, रेजोनेंस। सेंटेंस क्लियर कि एनएमआर कैसे आएगा? अब ये वो फ्रिक्वेंसी है जो आप रेडिएशन डालोगे उसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी सब क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिट। डिटेक्टर क्या करेगा, कौन गायब हुआ उसी को तो टांग देगा, ये फोटो आप कह दोगे एनएमआर का सिग्नल आ गया, कितने पे आ गया वो डिपेंड करेगा, ये गैप कितना है, पूरी कहानी समझाऊंगा आगे चल के।
गुमशुदा की तलाश कैसे होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी गायब होगी। और ये फ्रीक्वेंसी कौन से रीजन की है, रेडियो वेव रीजन की है। कितनी है उसमें डिपेंड करता है ये गैप कितना है। ये गैप किस पर डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करेगा इस पर, आपको पता है जीमान स्प्लिटिंग, फील्ड जितनी ज्यादा लगाओगे सेपरेशन उतना ही ज्यादा होगा, पढ़ रखा है बचपन से आपने। डिजेनरेसी कितनी ज्यादा होगी डिपेंड करता है फील्ड कितना लगाते हो, कहीं लिगेंड फील्ड लगाते हो, कहीं कोई सा लगता तो फील्ड ही है। यहां वो फील्ड कौन है, बाहर से लगाया है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जितना ज्यादा होगा ये सेपरेशन उतना ही ज्यादा होगा, रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। क्वेश्चन क्लियर, लेआउट क्लियर क्या है। तो एनएमआर सिग्नल कैसे आता है वो ये कंडीशन है। लेकिन जितना सुंदर ये सब चीज लगती है मामला उतना सुंदर होता नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ू, आइए अब देखिए पहली चीज और पहली सिंपल सिचुएशन को समझिए इसमें कि एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या आपकी, क्या है ध्यान दे। हाँ जी, हम ये कहते हैं कि जीमान लेवल्स के बिटवीन ट्रांजिशन हुआ है, तो हम सिंपली कहते हैं साहब न्यूक्लियर ट्रांजिशन या जीमान ट्रांजिशन बोलते हैं। अब पहला पॉइंट ही क्या अपने दिमाग में आना चाहिए, कंडीशन फोर जीमान ट्रांजिशन। एनएमआर के अंदर जीमान ट्रांजिशन की कंडीशन क्या रहेगी, ध्यान से समझें। हम ये कह रहे हैं ये अल्फा स्टेट थी अपनी, ये बीटा स्टेट है, ये आपका डेल्टा ही है, जी बीटा एच नॉट, इसको आगे और नामों से भी जानते हो, मैं विषय का दिखाता हूं आपको। हम ये कहते हैं कि एन अल्फा अपॉन एन बीटा, एन पॉपुलेशन बोल्ट्जमान पॉपुलेशन, क्या सुना था अपन ने, जैसे जैसे अपर लेवल में जाते हैं बोल्ट्जमान पॉपुलेशन कम होती है, पढ़ा होगा बोल्ट्जमान पॉपुलेशन, दिखा देता हूं। बोल्ट्जमान साहब कहते हैं एन इज एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाय के टी, सॉरी एक लेवल की है तो ई बाय के टी, एनर्जी जितनी ज्यादा उस लेवल की पॉपुलेशन उतनी कम, माइनस में एक्सपोनेंशियल, टेम्परेचर जितना ज्यादा उस लेवल में पॉपुलेशन उतनी ज्यादा, याद आ रहा होगा। तो किसी भी लेवल की पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, उस लेवल की एनर्जी पे, एनर्जी बढ़ाओगे तो पॉपुलेशन घटेगी, कॉमन सेंस है। लोअर लेवल में पॉपुलेशन ज्यादा होगी बजाय किसके, अपर लेवल के, एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक चीज और पढ़ते थे अपन इसी में, एन टू बाय एन वन, ये होता है एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाय के टी, दो लेवल की पॉपुलेशन का रेशियो, आप रिलेटिव पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। अरे रोटेशन में पढ़ा रहेगा कि एन वन लगाते हैं ई वन लगा दियो, एन टू लगाते हैं ई टू लगा दियो, रेशियो लिखियो, लिख दियो डेल्टा ई कौन है, ई टू माइनस ई वन। तो हम ये कहते हैं दो लेवल की पॉपुलेशन का रेशियो किस बात पे डिपेंड करेगा, उन दोनों लेवल के एनर्जी डिफरेंस पे। ये एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ये रेशियो में उतना ही अंतर जो है उतना ही कम होगा, दोनों की पॉपुलेशन में अंतर जितना कम होगा रेशियो का मान उतना ही ज्यादा होगा, कॉमन सेंस है, नहीं समझे। ये वैल्यू जितनी ज्यादा इस रेशियो का जो मान है वो उतना ही कम होगा, मीन्स डिफरेंस उतना ही कम हो जाएगा दोनों की पॉपुलेशन के बीच का, डन है दिमाग के अंतर, मेरा सेंटेंस क्लियर मैं जो कह रहा हूं। ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पॉपुलेशन डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा, मींस ये रेशियो उतना ही कम होगा, रेशियो उतना ही कम, रेशियो कम कब होगा, जब ऊपर कम वैल्यू और नीचे ज्यादा वैल्यू हो तो रेशियो उतना ही छोटा कहलाएगा। तो पॉपुलेशन डिफरेंस होगा, जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा नीचे पॉपुलेशन और ऊपर की पॉपुलेशन का डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर लोग कम रहेंगे नीचे ज्यादा रहेंगे, ऑब्वियसली चीज है यार, सेंटेंस क्लियर, ध्यान से देखो। हम ये कहते हैं ये जो डिफरेंस है यही तो वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, ये डिफरेंस ही तो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और ये रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती है, रेडियो वेव से, और रेडियो वेव एनर्जी वाइज सबसे कम एनर्जी का क्षेत्र है, इसका मतलब रोटेशनल लेवल का डेल्टा ही माइक्रोवेव से, वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच का गैप आईआर से,
कुछ समझ आई का नहीं? इसका जो गैप है ये तो रोटेशनल लेवल से भी छोटे गैप्स है। ये तो चूंकि मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं 500 किलोमीटर दूर तक मुझे दिखाना है, इसलिए इतना बड़ा दिखा रहा है। ओरिजिनली ये तो रोटेशनल लेवल से भी छोटे गैप्स है, क्योंकि गैप्स के बीच के गैप को तो डेल्टा ई बोलते हैं। डेल्टा ई माइक्रोवेव से बिलोंग करती है रोटेशनल की, जबकि इसकी किससे कर रही है? रेडियो वेव्स। क्वेश्चन समझ आया? क्योंकि ये गैप बहुत कम होता है, इसका मतलब नीचे और अपर लेवल की जो पॉपुलेशन है उसमें भी अंतर बहुत कम होगा। क्वेश्चन क्लियर? मैंने क्या कहा है? एनएमआर के अंदर लोअर लेवल और अपर लेवल में जो पॉपुलेशन का डिफरेंस होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है। जस्ट एग्जांपल देता हूं, अगर मेरे पास 408 मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियस है, कितने? एक एग्जांपल दिया मैंने 408, तो ये मान के चलिए कि डिफरेंस कितना आएगा, 208 इसमें आगे तो 200,000 ऊपर आगे, मुश्किल से 8 मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई का डिफरेंस आएगा, 8 का, 5 का, 4, इतना कम डिफरेंस है। कुछ कहानी समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते और वही 408 मॉलिक्यूल होते तो पता चलता 3.5 लाख से ज्यादा तो नीचे बैठे हैं और बचे हुए ऊपर बैठे हैं। अंतर का मीनिंग समझ आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन के अंदर रोटेशनल होते हैं, और ये तो उससे भी छोटे लेवल्स होते हैं। जयराम जी की मुद्दा समझ आया? ये गैप बहुत कम होता है और ये कम होने की वजह से लोअर और अपर लेवल की पॉपुलेशन का डिफरेंस भी बहुत कम होता है। मींस ऊपर 200,000 नीचे 204,000, इसका मतलब 200,000/204 ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो गया। क्लियर? तो हम ये कह रहे हैं ऊपर के कंपेयर में नीचे की पॉपुलेशन ज्यादा होनी ही चाहिए, तभी न्यूक्लियाई नीचे से ऊपर ट्रांजिट करेगा। अगर ऊपर की पॉपुलेशन नीचे वाले की पॉपुलेशन के बरोबर या ज्यादा हुई ऊपर वाली, तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन नहीं होगा, मींस रेजोनेंस फिनोमिना नहीं होगा। नीचे से ऊपर जाना रेजोनेंस कहलाता है एनएमआर में। क्लियर है मेरा सेंटेंस? मेरा सेंटेंस क्लियर है? नीचे की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ही ऊपर न्यूक्लियाई जाएगा। अगर ऊपर की पॉपुलेशन और नीचे की पॉपुलेशन सेम हो गई या ऊपर की पॉपुलेशन ज्यादा नीचे की पॉपुलेशन कम है, तो नीचे से फर्दर न्यूक्लियाई ऊपर नहीं जाएगा। तो मस्ट क्या है जीमान ट्रांजिशन या न्यूक्लियर रेजोनेंस के लिए? ऊपर लेवल की पॉपुलेशन नीचे वाले से कम होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए इससे, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो, हाँ जी, लेस देन 1 होना चाहिए। ध्यान से, एन अल्फा बाय एन बीटा, यहां अल्फा कौन है? अपर स्टेट। तो नीचे वाले की ज्यादा होगी तो ये रेशियो 1 से छोटा आएगा कि नहीं? क्या है? मस्ट फॉर न्यूक्लियर रेजोनेंस। क्वेश्चन बन सकता है यहां स्टेटमेंट, न्यूक्लियर रेजोनेंस कब नहीं होगा? जब ये रेशियो ग्रेटर देन 1, या मैं तो कह रहा हूं 1 हुआ तो भी रुक जाएगा, पर हम बोलते क्या है? ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 हो गया ये रेशियो, मींस ऊपर पॉपुलेशन ज्यादा नीचे पॉपुलेशन कम हुई, तो न्यूक्लियर रेजोनेंस नहीं होगा। अब जो पढ़ते हैं उनके दिमाग में ये बात आएगी कि साहब आप तो खुद बोल रहे हैं कि ऊपर वाले लेवल्स में पॉपुलेशन कम होती है अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, तो ऊपर वाले में ज्यादा कैसे हो सकती है नीचे से? यही तो क्वेश्चन है मेरा। जब इसमें पॉपुलेशन डिफरेंस बहुत कम है तो जैसे ही 2-4 मॉलिक्यूल रेजोनेट करेंगे, मींस नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ऊपर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी नीचे कम हो जाएगी। ऐसा तो है ना कि ऊपर 50,000 लोग है नीचे 5,00,000 लोग है, जाते जाओ कितने जाओगे? यहां तो मामला क्या है, थोड़े से रेजोनेंस हुए नहीं, ऊपर संख्या नीचे से क्या हो जानी है? ज्यादा हो जानी है, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। मेरा क्वेश्चन समझ आया? ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर होती है वैल्यू, एन अल्फा बाय एन बीटा का मान ऑलमोस्ट 0.999 समथिंग आता है, दिखाऊंगा तुम लोगों को, आ रहा हूं अभी फॉर्मूले पे आ रहा हूं मैं इसके।
क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, न्यूक्लियर रेजोनेंस के लिए क्या मस्ट है, अपर लेवल बाय लोअर लेवल पॉपुलेशन लेस देन वन होनी चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन वन हुई तो नो रेजोनेंस अकर्स। सेंटेंस क्लियर? रेजोनेंस कब नहीं होगा? अब मुद्दा ये है, ध्यान से सुनना, एन अल्फा एन बीटा ग्रेटर देन वन देन नो रेजोनेंस। रेजोनेंस नहीं होगा अगर ये ग्रेटर देन वन हुई तो। अब सुने ढंग से, अब रेजोनेंस अगर नहीं होगा, न्यूक्लियाई नीचे से ऊपर नहीं जाएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो गुमशुदा की तलाश सिग्नल कहां से आएगा? क्वेश्चन क्लियर मेरा? तो होता क्या है, जब जैसे ही ये कंडीशन आती है, इवन बरोबर भी आ जाती है, तो फर्दर रेजोनेंस बंद हो जाता है। ओके, तो होता क्या है मैं बताता हूं। देखो हुआ क्या था, ध्यान से, ये एन बीटा था तुम्हारा, ये एन अल्फा था अपना, बात ओके। ये मेरा न्यूक्लिया है, मैं एक ही दिखा रहा हूं ऐसे टाइम पास के लिए। अब ऐसा नहीं कि ये थोड़ा यूं स्टाइल से घूम के जाता, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है ऐसे रॉकेट चला रहा हूं, सीधा भी कह सको, इतना भी नकल नहीं करनी है, नीचे से ऊपर जाना। फिनोमिना क्या कहलाएगा? अभी तो बताया न्यूक्लियर ट्रांजिशन, तो ही तो रेजोनेंस बोल रहे हैं, न्यूक्लियर रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्लियर है, नीचे से न्यूक्लियाई कहां जा रहे, अपर लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, इसी फिनोमिना को न्यूक्लियर रेजोनेंस कहते हैं। और इसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है, एन अल्फा बाय एन बीटा लेस देन वन, ये तभी होगा वरना नहीं होगा। और चूंकि पॉपुलेशन में डिफरेंस बहुत कम होता है, तो जैसे ही कुछ ट्रांजिशन ऊपर रेजोनेंस होंगे, नतीजा क्या होगा? हाँ जी, ऊपर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, किससे? नीचे से। हाँ जी, क्या है? नीचे से, ये अपना वही अल्फा, ये अपना बीटा। तो क्या करना होगा भाई, रेजोनेंस के बाद न्यूक्लियाई नीचे से कहां चला जाता है? ऊपर। तो फिर क्या करना होता है, क्या होता है, ये जो अपर एक्साइटेड स्टेट के न्यूक्लियाई है, ये एनर्जी रिलीज करते हैं, लूज करते हैं, और लूज करके वापिस कहां आते हैं? नीचे। अरे एनर्जी निकालेंगे तो नीचे आएंगे ना, ऊपर से नीचे आते तो एच न्यू निकलता है कि नहीं, पढ़ रखा है बचपन से आपने, बोर कॉन्सेप्ट से पढ़ रखा है वो बात। तो मुद्दा क्या है, ये एनर्जी रिलीज करेंगे, कहां आएंगे? लोअर लेवल में। वापिस कहां आएंगे? लोअर लेवल में। ये फिनोमिना कब होता है? हाँ जी, जब एन अल्फा अपॉन एन बीटा ग्रेटर देन वन आ जाता है, तो ऊपर वाला कहां आएगा? वापिस नीचे। ऊपर से नीचे आना, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं इसे? रिलैक्सेशन। मुद्दा समझ आया कि रिलैक्सेशन फिनोमिना कब होता है एनएमआर के अंदर? जब अपर स्टेट की पॉपुलेशन लोअर स्टेट से क्या हो जाती है? ज्यादा। तो नीचे वाले न्यूक्लियाई फर्दर रेजोनेंस नहीं कर सकते अब। तो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट के जो न्यूक्लियाई है वो एनर्जी रिलीज करते हैं और लोअर स्टेट में आते हैं। अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आना ही क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन। मुद्दा समझ आया? और रिलैक्सेशन होते ही नीचे पॉपुलेशन फिर ज्यादा हो जाएगी, किससे? अपर से। नतीजा यही स्टेप फर्दर चालू हो जाएगा। एक रेजोनेंस और एक रिलैक्सेशन को कंबाइंडली हम वन स्कैन बोलते हैं। एनएमआर जो पीएचडी कर चुके या कर रहे होते हैं, वहां एक शब्द सुनते हैं, नंबर ऑफ स्कैन, जितने ज्यादा होंगे स्पेक्ट्रम उतना इस क्लियर आएगा। और नंबर ऑफ स्कैन, नंबर ऑफ काउंट्स भी बोलते हैं हम कई बार इनको। अब इसको ऊपर जाना नीचे जाने में अपना जो समय है वो तो ये लेगा, तो जितनी ज्यादा स्कैनिंग करते हैं उस स्पेक्ट्रा को लेने में उतने ज्यादा समय लगता है। सरकारी वाले कहते हैं साहब क्यों लूं मैं ज्यादा संख्या में,
इसलिए कहते हैं सरकार बोला अपनी वाली लैब से मत लेना, अच्छा नहीं आएगा, डीआरडीओ से कराओ, सीडीआरआई से करा के आओ, या आईआईटी से करवा के लाओ, क्योंकि वहां प्रोफेशनल बंदे होते हैं, प्राइवेट लैब से करवाओ ताकि स्पेक्ट्रम क्लियर आए। हमारे वाले में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो स्कैन कम करते हैं, एक दो बार ये काम हो बोलो हो गया स्पेक्ट्रम, जो सिग्नल आना है वो आ जाना। मैं आगे समझाऊंगा कि स्कैन से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये एक स्कैन कहलाएगा, एक बार रेजोनेंस और एक बार रिलैक्सेशन। अब नीचे आए वो फर्दर ऊपर जाएगा, वापस रेजोनेंस, फिर नीचे आएंगे रिलैक्सेशन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ये जितना ज्यादा कराओगे स्पेक्ट्रम का रिजोल्यूशन उतना ही सार पाएगा। क्लियर? कई बार कहते हैं रिजोल्यूशन अच्छा नहीं आया स्पेक्ट्रम का, स्कैन करने में गलती की है उसने, नंबर ऑफ स्कैन कम किए। आ जाओ, क्या क्या कह रहा हूं वापिस से। हाँ जी, बीटा और ये अल्फा, अपना न्यूक्लियाई वापस आ गया है जी। मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे यार। ये प्रोसेस फर्दर चलता जाएगा, अगेन वो काम होता जाएगा। क्लियर है कि रेजोनेंस क्या होता है, न्यूक्लियर रेजोनेंस, और न्यूक्लियर रिलैक्सेशन क्या होता है। ये जो रिलैक्सेशन होता है, जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल आता है उसे रिलैक्सेशन कहते हैं। रिलैक्सेशन में क्या होता है भाई, ये जो प्रोटॉन है, एक्साइटेड प्रोटॉन, ये एनर्जी रिलीज करता है। अब ये जो रिलीज्ड एनर्जी है, ये दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो एनर्जी रिलीज की वो लैटिस को दे दी, सराउंडिंग के लैटिस को। अब लैटिस समझ लो, पहले जो सैंपल ट्यूब प्रिपेयर की है ना, उसमें सैंपल के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, ये सब मिलके एक लैटिस बनाते हैं। यहां पर इनके अरेंजमेंट ही क्या है, इसी को लैटिस बोलते हैं यहां पर। अरे सॉल्वेंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स है कि नहीं? इन मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड हम क्या कह रहे हैं, एक लैटिस अरेंजमेंट कह दिया मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो सॉल्वेंट के हो चाहे सॉल्यूट के हो। अरे सारे मॉलिक्यूल्स जो उस सैंपल ट्यूब में है उनको एक लैटिस अरेंजमेंट बोला जाता है यहां पर। तो जो प्रोटॉन अपर एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, लोअर स्टेट में आ रहे हैं, जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, वो एनर्जी किसको दे दी, लैटिस को। लैटिस का मतलब कोई लो, सबको दे दी। इसे बोलते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, कैपिटल टी वन से डिनोट करते हैं। तो रिलैक्सेशन दो तरह का होता है, एक होता है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, एक्साइटेड ये न्यूक्लियाई रिलैक्सेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज करता है उसे इस लैटिस को बांट देता है, मीन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल उनको पूरे को बांट दिया, भाई अब्सॉर्ब कर लो। बात ओके है? नाम क्या पड़ गया, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। जनरल भाषा में पढ़ेंगे चीजों को, टेक्निकली वो कैसा नाम देते हैं, जब जनरल समझ आएगा तो टेक्निकली आप अपने आप समझ जाओगे। जो मास्टर्स कर रहे हैं उनको ये चीजें फिर पता होनी चाहिए। एक क्या होता है, जो ये स्पिनिंग न्यूक्लियाई है, एक्साइटेड वाला जो प्रोटॉन है, ये एनर्जी जो रिलीज करता है तो ये प्रोटॉन्स को ही देता है। किसको देता है, स्पिनिंग जो प्रोटॉन्स है जिसका सिग्नल ले रहे हैं, इसे बोलते हैं हम स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। मेरा क्वेश्चन समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? दो तरह के रिलैक्सेशन है, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन और स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन में क्या होता है, एक्साइटेड न्यूक्लियाई अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है किसको, स्पिनिंग प्रोटॉन्स को। नाम पड़ गया स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। और दूसरा कौन सा था, जो लैटिस को देता है, मैं सबको दे देता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट जो भी मॉलिक्यूल है उसको, उसे बोलते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। स्पिन लैटिस को हम T1 से डिनोट करते हैं, जबकि स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन को T2 से डिनोट करते हैं, कैपिटल T2 से। तो कोई क्या, रिलैक्सेशन कितने तरह का, दो तरह का, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन और स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। डन रहेगा मेरी बात दिमाग के अंदर, क्योंकि मुझे NMR में यहाँ जरूरत नहीं पड़ती उन चीजों की, पर थ्योरेटिकल कई बार टर्मिनोलॉजी आती है तो आपको एटलीस्ट उसका बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए समझा रहा हूं। क्लियर है? जो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन होता है यही NMR सिग्नल की ब्रॉडनेस को डिसाइड करता है। दिमाग में रहेगा कि सिग्नल की ब्रॉडनेस को डिसाइड कौन सा वाला रिलैक्सेशन करता है, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। बोलो कैसे करेगा? अरे रिलैक्सेशन टाइम से ही तो मुद्दा उठाया था अपन ने, याद करो, रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा सिग्नल उतना ही शार्प। और रिलैक्सेशन जो हमारा था टाइम, वो था क्या एग्जैक्टली, जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में कितना समय गुजारा, इसी को तो अपन ने रिलैक्सेशन टाइम बोला है एक्साइटेड स्टेट का। कोई स्पिनिंग न्यूक्लियाई यहां पर कितनी देर गुजर रहा है, वही तो अपन ने क्या कहा था, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। और ऊपर से नीचे आना ही कोई तो रिलैक्सेशन बोला है अपन ने। कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा क्या कह रहा हूं?
तो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन से सिग्नल की विड्थ ब्रॉडनेस डिसाइड होती है। शब्द याद रहेंगे, कई बार आजकल क्या है फैशन चल रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर NMR सिग्नल, फलाना सिग्नल, कई बार ऐसी चीजें बोल देता है, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए। वो जमाना गया कि क्या पूछेगा, नंबर ऑफ सिग्नल, जितने तरह के प्रोटोन उतने सिग्नल, गया वक्त। अब जब सिग्नल पूछता है ना, टर्पिनोइड और एल्केनोइड उठा के ले आता है तुम्हारे नेचुरल प्रोडक्ट से, बोला तेरे को सिग्नल निकालने का बहुत शौक है ना, ला बता कितने सिग्नल हैं इसमें। अब तक तो स्टीरियो सेंटर पूछा करता, तब क्या करता है, बताओ कितने स्टीरियो सेंटर और कितने C13 के सिग्नल, लो बैठे रहो भाई। अच्छा वही सिंपल लहजा है उसका, भाषा बदल देता है क्या। यहां तक कोई डाउट आपको, तो मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि रेजोनेंस कब होता है, जब इसका मान लेस देन 1 होता है, और रिलैक्सेशन कब होगा, जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो इसे वापस अपने जमीन पर आना पड़ता है। डन रहेगा कॉन्सेप्ट, आगे बढ़िए। अब मैं क्या कह रहा हूं जरा उसे समझो, कि एक शब्द आता है एक्सेस पॉपुलेशन, ध्यान दे एक्सेस पॉपुलेशन, और एक्सेस पॉपुलेशन होता है एन अल्फा बाय एन बीटा के रेशियो को बोलते हैं। क्या बताया था ये मैंने आपको, डेल्टा ई बाय केटी, डेल्टा ई बाय केटी, दो लेवल का, अरे बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन का फॉर्मूला है भाई, अपर लेवल की पॉपुलेशन अपॉन लोअर लेवल की पॉपुलेशन NMR में, किस नाम से जानी जाती है, एक्सेस पॉपुलेशन टर्म देते हैं हम इसको, और इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाय केटी, बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला है, दो लेवल की पॉपुलेशन का रेशियो। अब आपको पता है कि डेल्टा ही आपने किसको बोला है, इसी को तो बोला है, ये तो जी बीटा एच नॉट होती है भाई, क्या होती है ये जी बीटा एच नॉट, बात ओके, इसी को हम गामा एच एच नॉट अपॉन टू पाई भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा कैसे होता है रिलेशन, जी बीटा गामा एच क्रॉस के बरोबर होता है एक्चुअली। अभी सारी टर्म्स लेके आऊंगा मैं आपकी, कि यहाँ जी कौन है, बीटा कौन है, एच नॉट क्या है, यूनिट्स क्या है, आ रहा हूं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। ये एक्चुअल में गामा एच क्रॉस के बरोबर होता है, आपको पता है एच क्रॉस एच अपॉन टू पाई को बोलते हैं, तो मैंने इस शब्द की जगह क्या लिख सकता हूं, गामा एच क्रॉस या गामा इंटू एच अपॉन टू पाई, तो गामा एच अपॉन टू पाई लिख दिया एच जी बीटा की जगह, दोनों एक ही फॉर्मूले है। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या मैं डेल्टा ई की जगह ये वैल्यू या ये वैल्यू पुट कर सकता हूं कि नहीं, एक ही बात है, ऐसे लिखो या इसी को क्या लिखोगे आप, एक्सपोनेंशियल माइनस, हाँ जी, गामा एच एच नॉट अपॉन टू पाई केटी, केटी तो पहले से ही है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, एक ही बात है, डेल्टा ई रेजोनेंस कंडीशन का फॉर्मूला लिख दिया। डन है ओके यहां तक, आइए और इसका जो मान होता है वो होता है, ध्यान दें, एल अल्फा अपॉन एन बीटा, ये रफली होता है 1 माइनस अब आप कहोगे मैथ्स वाले तो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, बायो वाले सुनो, बोलो साहब आपने तो इस वैल्यू को ही तो 1 माइनस कह दिया, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल्स को सॉल्व करने का तरीका ये हो गया कि एक माइनस जो पावर है वो कर दो, नहीं ये तब सही है जब ये वैल्यू 1 के कंपेयर में बहुत नेग्लिजिबल होती है, तब ये फॉर्मूला सही है। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस a है तो आप ये कह दो इज इक्वल टू 1 माइनस a, ये सही है, पर ये कब है, जब ये a का मान 1 के कंपेयर में बहुत स्मॉल होता है, समझे, जैसे 1 के कंपेयर में ये 0.0001 तो सही है, लेकिन अगर ये 1 के कंपेयर में बहुत स्मॉल नहीं है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसको प्रॉपर वही करोगे, पहले ln लोगे फिर नेचुरल लॉग के बाद अपना लॉग बेस 10 वाला लोगे 2.33 वाला। मेरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्या कह रहा हूं,
क्लियर है दिमाग के अंदर? एक्स इस एक्सपोनेंशियल को ऐसे लिखा जा सकता है, बशर्ते कब, जब ए लेसर 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 देन वन होता है, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। यहां प्लस होता तो आप वन प्लस ए लिख सकते थे, पर कंडीशन मस्ट है कि वन के कंपेयर में ये वैल्यू नेग्लिजिबल होनी चाहिए, बहुत छोटी। क्लियर? मैंने यही तो कहा है भैया कि इन दोनों के बीच में पॉपुलेशन डिफरेंस बहुत कम होता है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम होता है। जब पॉपुलेशन डिफरेंस बहुत कम होगा तो ये रेशियो लगभग वन के बरोबर ही आएगा। मींस अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगी वैल्यू, 0.999, 39 तो पॉइंट के बाद लिख ही देना, बाद में श्रद्धा है वो लिखते रहना। 25 डिग्री पे बोल रहा हूं तुम्हें ये कहानी। क्वेश्चन क्लियर मेरा जो मैंने बोला है? तो एक्सेस पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या है ये? तो हम सिंपल ये कहते हैं कि एक्सेस पॉपुलेशन का मान वन से छोटा होगा तो ही रेजोनेंस होगा। अगर एक्सेस पॉपुलेशन का मान वन से ज्यादा हुआ, उसका मतलब ये कि ऊपर ज्यादा पॉपुलेशन नीचे कम पॉपुलेशन, तो कहानी रेजोनेंस की नहीं होगी, फिर तो रिलैक्सेशन होना ही होगा, तभी रेजोनेंस हो सकता है, फर्दर अदरवाइज नहीं होगा। यहां तक किसी को कोई समस्या कि एनएमआर सिग्नल आते कैसे हैं और उसकी जनरल टेक्निकलिटी है क्या? क्लियर? अब इसके मैथमेटिकल पार्ट पे चलेंगे हम। ये जो टर्मोलॉजी बार बार से मैं ले रहा हूं, ये कौन सी चीज क्या है, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसको क्या बोलते हैं, कैसे एग्जामिनर हमें देगा और हमारा क्या क्या बिगाड़ सकता है। शुरू करता हूं मैं, देखिए देखिए हम क्या कह रहे हैं कि एनएमआर ये होता है, ये कौन है जीमान लेवल्स, ये कौन है जीमान लेवल की एनर्जी। जीमान लेवल की एनर्जी ये कैसे आई, देखो सबसे पहला पॉइंट ही क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ जीमान लेवल्स। इसे हम डिनोट करते हैं ई एम आई, लेवल्स को एम आई से डिनोट किया ना आपने, तो वो एम आई का सिंबल दे दिया। जैसे यूं तो अपन नॉर्मल कहते हैं ई वन ई टू ई थ्री, तो वो वन टू थ्री की जगह एम आई के नाम लिख दिया। नीचे प्लस हाफ था इसलिए बॉटम में प्लस हाफ लिख रखा है, ऊपर माइनस हाफ है इसलिए माइनस हाफ लिख दिया, डन। और ये फॉर्मूला होता है माइनस एम आई जी बीटा एच नॉट, जीमान लेवल्स की एनर्जी का फॉर्मूला। आपको सिर्फ एम आई का मान रखना है, उस लेवल की एनर्जी का मान आ जाएगा। देखो एम आई का मान हाफ है, मैंने यहां हाफ लिख दिया तो माइनस हाफ जी बीटा एच नॉट हो गई कि नहीं। ऊपर एम आई का मान माइनस हाफ है तो यहां माइनस हाफ रखा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का हाफ जी बीटा एच नॉट। कुछ राइटर्स माइनस नहीं लगाते फॉर्मूला लिखते समय, उनकी भावनाओं का कदर रखना, ज्यादा कुचरंदी मत करना कि काट दिया गलत है, कई लोग लिख देते हैं उनकी। मैं क्यों माइनस लगा रहा हूं, अरे भाई अगर यहां प्लस लिखूंगा तो फिर ये वाला तो प्लस का आएगा मान और ये वाला माइनस का आएगा, ऊपर वाला लेवल माइनस में नीचे वाला लेवल प्लस में, ये कैसे पॉसिबल है? और जब ऊपर वाले में से नीचे वाले की एनर्जी घटाओगे तो माइनस का वन जी बीटा एच नॉट आएगा, फिर तो समझ गए होंगे मेरी बात को कि क्यों माइनस लगना चाहिए। तो ओरिजिनली माइनस लगता है, कुछ लोग ब्रॉड लिखते हैं तो वो गायब कर देते, कोई दिक्कत नहीं, उनकी आदतें हमें संभाल के रखनी है। अब देखिए सिलेक्शन रूल, कई बार ऐसी चीज पूछ लेते जो दिमाग में ही नहीं आती, एनएमआर के लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा, बोली तो पढ़ो ही ना, बाकी सब चीज पढ़ ली। सिलेक्शन रूल का मतलब होता है कहां से कहां जाता है, उनके लेवल्स के गैप को बोलते हैं, कितने लेवल का अंतर। एमआई के मान में अंतर देखो, ऊपर प्लस हाफ है नीचे, वो नीचे प्लस हाफ है ऊपर माइनस हाफ है, तो एमआई के मान कितने का अंतर है, एक का अंतर है। अरे जे इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, कितने लेवल अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा जे, वाइब्रेशनल में डेल्टा वी, कहां से कहां जाना अलाउ करते हो, तो आप यहां से यहां जाना अलाउ कर रहे हो, कितना अंतर है इनके एम आई के मान में, एक का। तो सिलेक्शन रूल क्या हो गया, डेल्टा एम आई प्लस माइनस एक, एक का ही तो अंतर है दोनों के एम आई के मान में। रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो जे में अंतर कितने का होता है, जहां से जहां जाता है, वाइब्रेशनल पढ़ते हैं तो डेल्टा वी, सिलेक्शन रूल यही तो है। देखो दोनों के एम आई में मीन्स एक अंतर अलाउ हुआ है एमआई के मान में, बोले तो हाफ हाफ के है ना, हाफ हाफ के तब है जब आपने एच वन एनएमआर पढ़ रहे हो, आई हाफ वाले का एनएमआर पढ़ रहे हो, आई वन वाले का भी पढ़ेंगे, तो यहां दो नहीं या तीन लेवल टूटेंगे, प्लस वन जीरो माइनस वन,
तो क्या मैं माइनस वन से सीधा प्लस वन में ट्रांजिशन कर लूंगा? नो. आपका सिलेक्शन रूल क्या कहता है? एक का अंतर. एम आई का मान अगर प्लस वन, जीरो और माइनस वन है तो आप प्लस वन से जीरो में ट्रांजिशन कर सकते हो, जीरो से माइनस वन में ट्रांजिशन कर सकते हो, एक के अंतर में कर सकते हो. लेकिन आप प्लस वन से माइनस वन में डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं करा सकते. फॉरबिडन. सिलेक्शन रूल अलाउ नहीं करता. क्लियर रहेगा मेरा मुद्दा? एनएमआर का सिलेक्शन रूल क्या है ये? अब देखिए हम क्या कह रहे हैं. हाँ जी, नंबर तीन, रेजोनेंस कंडीशन. क्या थी रेजोनेंस कंडीशन? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच जी बीटा एच नॉट. यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखना. हाँ जी, इसी को आपने क्या कहा था? गामा एच एच नॉट अपॉन टू पाई. क्लियर है? इसको रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं. और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में लिखी होगी. किसमें होगी? मेगाहर्ट्ज के अंदर. तो आपसे बार बार समझेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मींस इस वाले फॉर्मूले की न्यू निकलवा रहा है. अरे एच को उधर भेज दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. भाई फॉर्मूला ये है, एच को भेज दो, आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. क्या आएगा? जी बीटा एच नॉट बाई एच, या आप यहां कहोगे गामा एच नॉट अपॉन टू पाई. बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल के लिए. यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, दो बार से एग्जाम में नहीं आ रहा है तो पूरे चांस है किस बार जय माता दी होगा. दो साल से नहीं आया तो चार एग्जाम हो गए. यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? अभी आता हूं, पहले इन फॉर्मूलों को खत्म करूं. याद है ना आपको आया कौन सा? गैसियस रूल, आइडल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. तो अगर टी को कांस्टेंट कर दूं तो पी और वी के बीच में रिश्ते हो जाते हैं कि नहीं? पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू. तीन डाटा देता है, चौथी चीज पूछ लेता है. ऐसे ही वी को कांस्टेंट कर लो तो पी इज प्रोपोर्शनल टू टी. पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन. समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? सेम ही तो कहानी चलनी है. एच नॉट कॉन्स्टेंट कर दिया तो न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी के हो जाएगा या गामा के. तो न्यू टू बाई न्यू वन इज इक्वल टू गामा टू बाई गामा वन. और अगर इसको कॉन्स्टेंट कर दोगे तो जी और एच नॉट के बीच में रिश्ता आ गया, कहूं गामा एच नॉट के, जैसे पीवी का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्वेश्चन समझ आ रहा है? दो रिश्ते कैसे बनते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की तरह रिश्ते हैं. अगर मैं इसको कॉन्स्टेंट लेता हूं तो न्यू और जी के बीच में, या कहूं न्यू और गामा के बीच में. आपको कैसा? बीटा, बीटा तो फिक्स मैथमेटिकल वैल्यू है, किसी भी न्यूक्लियाई के लिए उसका मान सेम रहेगा. लेकिन अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए गामा या जी का मान अलग अलग होता है, तो उनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी कि नहीं? नहीं समझे? मैं और अच्छे से समझाता हूं. देखो बहुत अच्छे से समझ आएगा, आप तो बहुत समझदार लोग हो. मैं ये कह रहा हूं एच वन एनएमआर और सी थर्टीन एनएमआर न्यूक्लियाई दो अलग अलग हुए कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर? एच वन एनएमआर और सी थर्टीन एनएमआर. अब मैं ये कह रहा हूं अगर दोनों एनएमआर की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, दोनों में ही मैंने वन टेस्ला की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या आएगा? किसका ज्यादा आएगा, किसका कम आएगा? आपने ये सेम रखा है तो भैया जिसका जी, या कहूं जिसका गामा ज्यादा है, उसी की तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी. क्योंकि जब एच नॉट कॉन्स्टेंट है तो न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा. हाँ कि ना? तो जो गामा का रेशियो होगा वही उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का रेशियो हो गया कि नहीं? तो मैं कहूंगा न्यू एच वन अपॉन न्यू सी थर्टीन. क्या होगा? गामा एच वन अपॉन गामा सी थर्टीन. पर यह कब होगा भैया? जब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सेम लगाया हो. अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है कि नहीं आपको? जी और न्यू या जी और गामा के बीच में, तो इनका रेशियो वही आएगा जो उनके गामा का रेशियो है या उनके जी का रेशियो है. फेमस क्वेश्चन है.
कैसे पूछे? ये दोनों के गामा दे देता है, एक की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे देता है, दूसरे की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एक ही का नहीं है मेरे लिए। पर कब पूछेगा? टेस्ला फिक्स कर देगा, इतने टेस्ला। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी टेस्ला में आए, वो फील्ड टेस्ला में आएगी, गॉस या टेस्ला, अभी लिखाऊंगा सारी यूनिट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकता है, यहां से ध्यान से देखना, वो क्या करेगा, एक ही न्यूक्लियाई रखेगा ताकि आपका जी का मान या गामा का मान कॉन्स्टेंट हो जाए। कहेगा जब H1NMR की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर आएगा, वो ऑपरेटिंग फील्ड की स्ट्रेंथ की क्या जरूरत पड़ेगी, यदि इंस्ट्रूमेंट मेरा 100 मेगाहर्ट्ज का है। जरा दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूं। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम रखी और दो अलग अलग न्यूक्लियाई, सॉरी दो अलग अलग न्यूक्लियाई पकड़ेगा, कहता है 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है मेरा। इंस्ट्रूमेंट कितने मेगाहर्ट्ज का है? 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है। जब मैं H1NMR स्पेक्ट्रा लेता हूं तो मुझे कितनी फील्ड स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी? जब मैं C13NMR लेता हूं, क्वेश्चन समझ आया? एक दूसरे के कंपेयर पूछा है। अगर ये दोनों के लिए फिक्स है तो भैया गामा एच नॉट का मल्टीपल दोनों का फिक्स हो गया। क्या कहोगे? गामा एच वन इंटू एच नॉट एच वन इज इक्वल टू गामा C13 इंटू एच नॉट C13। अरे P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब एक तरफ ले लो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता आएगा कि इतनी देर में तो मैं लिखा देता। मांडो तुम इसकी लायक ही नहीं हो। यहां से क्या करो, शाहरुख खान बनाओ। यू नो शाहरुख खान, देखो मैं दिखाता हूं। न्यू इज इक्वल टू जी बीटा एच नॉट बाई एच, और इसे बोलते हो आप, हाँ जी, गामा एच नॉट अपॉन टू पाई। ओके है, तो हम कह रहे हैं दो रास्ते और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से। इफ हाँ जी एच नॉट कॉन्स्टेंट और टू न्यूक्लियाई, दो अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए एच नॉट कॉन्स्टेंट है, मीन्स एच वन और सी थर्टीन मोस्ट फेवरेबल कंपेरिजन होता है अपना। और हम कह रहे हैं इफ हाँ जी न्यू कॉन्स्टेंट टू न्यूक्लियाई, बोथ न्यूक्लियाई कर दो, टू न्यूक्लियाई कर दो, एक ही बात है। डन है, मेरा मुद्दा क्या है? तो हम सीधा सीधा ये कह रहे हैं, अगर मेरा एच नॉट कॉन्स्टेंट है तो हम कहेंगे न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, और क्या लिख सकते हो, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो को बोलते हैं, आगे शब्द लिखाऊंगा इनके, एक ही बात है भाई। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, दैट इज हम कह सकते हैं न्यू एच वन अपॉन न्यू C13 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, गामा एच वन अपॉन गामा C13। आप टू और वन शब्द यूज कर सकते हो, न्यू टू बाय न्यू वन इज इक्वल टू गामा टू बाय गामा वन। न्यूक्लियाई को एक और दो नंबर दे दिए, अब एक और दो से बनेगा क्या? पद जिनसे पाला पड़ना सीधे उन्हीं के नाम लो ना, एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, दूसरा कार्बन 13 न्यूक्लियाई। तो उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का रेशियो वही होगा जो उनके गायरोमैग्नेटिक रेशियो का रेशियो होगा, जी का रेशियो होगा या गामा का रेशियो होगा। इसी को आप यू भी बोल सकते हो, जी एच वन अपॉन जी सी थर्टीन। अब चूंकि जैसे मुझे याद है कि हाइड्रोजन का गामा या C13 वो जी का मान C13 के कंपेयर में लगभग 4 times होता है, तो 100% H1NMR की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 4 गुना होगी किससे, C13 की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से। क्यों? उनके जी का मान का रेशियो या उनके गामा के मान का रेशियो 4 times का अंतर होता है, H1 4 times होता है लगभग किसके,
C13 के जी के मान के या कहूं गामा के मान के, मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला है? तो ऑब्वियसली उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का रेशियो में भी कितने का अंतर होगा? 4 का। कहने का मतलब है क्वेश्चन ये करेगा कि अगर मैंने 1 टेस्ला फील्ड लगाई थी, अगर H1 NMR 100 MHz पे ऑपरेट हो रहा है तो बताओ C13 कितने पे होगा। तुम्हें पता है C13 से 4 गुना होता है H1, तो वो 100 पे हो रहा है तो C13 25 MHz पे तो ऑपरेट होगा। एक की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे देगा, दूसरे की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा। बहुत फेवरेट और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कराऊंगा सॉल्व आपको अभी थोड़ी देर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। डन है मेरा? क्वेश्चन क्या बोला है? यहां से क्वेश्चन बनता है आपके। एक की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे देगा, दूसरे की पूछेगा। आइए जरा, अब हम कह रहे हैं अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स है, मींस इंस्ट्रूमेंट 100 MHz का है, अब चाहे कोई सा ही न्यूक्लियाई डालो, न्यू का मान तो 100 MHz ही रहेगा। इसका मतलब ये फिक्स कर दिया आपने, तो आपको किसको अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको H0 एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 100 MHz हो जाए। सीधा सा कहानी है, न्यू कॉन्स्टेंट कर दिया तो भैया ये कॉन्स्टेंट 2π कॉन्स्टेंट होता है, तो सीधी सीधी सी कहानी क्या है, गामा और H0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए कि नहीं। देखो फॉर्मूले में, एक जने को उधर लेके जाओ अपॉन में ही जाएगा एक के। ये कॉन्स्टेंट आपने ले लिया, ये जमुरा कॉन्स्टेंट है ही, तो गामा H0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H0। अरे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है कि नहीं। क्या कहानी समझ आई? क्या होगा रिश्ता? सीधा सीधा सा है। हाँ जी, H0 किसका? H1 न्यूक्लियाई का अपॉन H0 किसका? C13 न्यूक्लियाई का। क्या होगा? उल्टा होगा इनके गामा के, गामा C13 अपॉन गामा H1। अब गामा के साथ बोलो या G के साथ बोलो, मामला तो सेम ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे P2 बाई P1 को V1 बाई V2 लिखना पड़ेगा ना इक्वल टू में। बड़े लोग समझ गए होंगे अब तक, तो आइए इसी को क्या लिख सकते हो, जी C13 अपॉन जी H1। एक ही बात, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले होते हैं पर इंपॉर्टेंट। सब सा बोला है, इंपॉर्टेंट कहानी है, न्यूमेरिकल आता है यहां से और गाय से न्यूमेरिकल आएंगे यहां से। अभी बाकी फॉर्मूले और करा देता हूं, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल करेंगे बैठ के अभी। क्लियर? तो अब तक क्या कंडीशन पे पहुंचे अपन, देखिए जरा पा कि हमने कहा रेजोनेंस कंडीशन क्या है, ये होती है। उससे पहले अपन ने क्या कहा है, सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा एम आई प्लस माइनस 1, जीमान लेवल्स की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये। अब आइए जरा आगे, अब हम कह रहे हैं और बेसिक जो फॉर्मूले यहां पर काम आते हैं वो क्या है, उन्हें पढ़ लो। अब पढ़ना क्या है जरा उसे समझिए, यहां पर जी कौन है, जी देखिए क्या बोलोगे, जी कौन है यहां पर, न्यूक्लियर जी फैक्टर, न्यूक्लियर जी फैक्टर, न्यूक्लियर जी फैक्टर। इसको हम कई बार गायरोस्कोपिक रेशियो भी बोलते हैं, पर आप गामा और जी के इस नाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। एक को मैग्नेटोगायरिक रेशियो बोलते हैं, एक को गायरोस्कोपिक रेशियो बोलते हैं, तो कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए आप जी को हमेशा किससे डिनोट करो, न्यूक्लियर जी फैक्टर। ओके है? कैसे पहचानेंगे कि जी है कि गामा है, यह यूनिटलेस होता है। ध्यान से देखें कैसा होता है, ये यूनिटलेस होता है। तो कई बार गायरोस्कोपिक गायरोस्कोपिक मैग्नेटो गायरोस्कोपिक करते तो कंफ्यूजन हो जाता है कि जी बोला है कि गामा बोला है। अगर यूनिटलेस है, वैसे हाइड्रोजन वगैरह की तो वैल्यू फिक्स है, तो वो वैल्यू देख के पता लगा देते हैं ये तो ये वाला मान है, परंतु यूनिटलेस है ये, जबकि गामा यूनिटलेस नहीं है। ओके, और H1 के लिए जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, और न्यूक्लियाई की याद रहना जरूरी नहीं है, एग्जामिनर को न्यूमेरिकल पूछना होगा तो चुपचाप दे देगा भैया इसकी फलाने की जी का मान इतना है, पर H1 से आप ज्यादा उम्मीद ना रखें,
ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो और सी टू वी की करेक्टर टेबल कह के साहब वो उसको देनी चाहिए तो भूल जाओ। समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, वही वाली कहानी है। तो हाइड्रोजन का जी का मान पता होना चाहिए, 4H जी इज इक्वल्स टू, लिखिए 4H जी इज इक्वल्स टू, ये होता है 5.585। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के लिए जी का मान कितना होता है, 5.585, याद रहेगा। बीटा, देखो बीटा को कई बार हम बीटा एन भी बोलते हैं, जी को जी एन भी बोलते हैं, वो न्यूक्लियाई का नाम लिखते हैं नीचे, क्योंकि ईएसआर में ई लगा होता है इलेक्ट्रॉन के लिए जी का मान, इलेक्ट्रॉन के लिए बीटा का मान, यहां पर न्यूक्लियस के लिए एन, तो कई बार एन सिंबल लगाते हैं, हमें नहीं आदत, जी याद हो जाए वही बहुत है, कहीं को एन लगावे, तो बीटा लिखा मिले बीटा एन लिखा मिले एक ही बात है। और कई बार हमें ये म्यू एन ये लिखा हुआ मिलता है, तो म्यू से भी दिखाते हैं सिंबल को और बीटा से भी दिखाते हैं, याद रहेगा। ये एक्चुअल में होता है बोहर मैग्नेटॉन, क्या होता है बोहर मैग्नेटॉन, ओके है, चूंकि न्यूक्लियस का इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियर बोहर मैग्नेटॉन, इलेक्ट्रॉन का होगा तो उसके लिए बात करेंगे, न्यूक्लियर बोहर मैग्नेटॉन। और इसका फॉर्मूला होता है ई एच क्रॉस अपॉन टू एम पी, पी मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करो और मास ऑफ प्रोटॉन के ट्वाइस का भाग दे दो। इसका मतलब ये तो सारे डाटा ही फिक्स है भाई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो वो ही रहेगा, अब प्रोटॉन हाइड्रोजन का प्रोटॉन हो, नाइट्रोजन का प्रोटॉन हो, या फ्लोरीन आइटम का प्रोटॉन हो, प्रोटॉन प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही है, तो प्रोटॉन का चार्ज फिक्स, एच अपॉन टू पाई का मान फिक्स, प्रोटॉन का मास फिक्स, और दो भी फिक्स, तो ये तो एग्जैक्टली फिक्स वैल्यू हो गई बीटा का मान। इसका न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो F19 का हो P31 का हो या C31 का हो, वो C13 का, P31 C13, कोई से भी न्यूक्लियाई हो, इसका मान तो फिक्स हो गया। और इसका मान कितना होता है वो लिखिए, 5.05 × 10⁻²⁷, 10⁻²⁷ जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला, टेस्ला को मैं टी से डिनोट करूंगा, जानते हो आप, वन गॉस, याद ना गॉस, GAUSS वाला गॉस, फील्ड के लिए काम लेते हैं अपन, वन गॉस, ये होता है 10⁻⁴ टेस्ला, वन गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला, क्लियर। अब आइए किसके ऊपर, जी के ऊपर, जी वो सॉरी अपना क्या गामा, इसे बोलते हैं हम मैग्नेटोगायरिक रेशियो, जी को गायरोमैग्नेटिक भी बोलते हैं, तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो गामा कौन है, मैग्नेटोगायरिक रेशियो, मैग्नेटोगायरिक रेशियो, क्लियर मेरी बात। और इसका मान होता है म्यू अपॉन, हाँ जी, आई एच क्रॉस। अब ये म्यू, ये वाला म्यू नहीं है, ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, अभी लिखाऊंगा आपको कौन सा है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इन फॉर्मूले से बहुत ज्यादा मतलब नहीं, बस एक रिकॉर्ड के लिए पर्पज होना चाहिए, ये वैल्यू पता होनी चाहिए जी का मान, हाइड्रोजन के लिए या किसी भी न्यूक्लियाई के लिए बीटा का मान पता होना चाहिए आपको, इनके मान अपने आप देगा आपको जब न्यूमेरिकल पूछेगा, क्लियर, ध्यान रहे
आई कौन है? वही न्यूक्लियर स्पिन, एच क्रॉस तो आप जानते ही हो, पर यहां पर म्यू कौन है ये आपको पता होना चाहिए। म्यू मैं किसको बोल रहा हूं? हाँ जी, मैग्नेटिक मूवमेंट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट, कई बार हम इसको गामा पी भी बोलते हैं, पर इसका जो फेमस रिलेशन है वो है जी बीटा आई। गामा पी भी होता है, जी बीटा आई काम आएगा न्यूमेरिकल्स में अपन को। अब एक देखो, एक और होता है, न्यूक्लियर स्पिन, एक और नाम होता है न्यूक्लियर स्पिन। कौन सा नाम है लिखें? न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कई लोगों को कल से वो पूछ रहे हैं मुझसे कि साहब आई कैसे निकालेंगे। हर न्यूक्लियाई का अपना एक न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, पी। न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम पी, जिसमें शब्द यूज किया था गामा पी, तो वहां पी कौन होता है एक्चुअल में? न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बड़ा फेमस है एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले, वही चलते हैं, एच अपॉन टू पाई रूट। चूंकि यहां आई है इसलिए आई आई प्लस वन होता है, जहां रोटेशनल लेवल जे होते हैं वहां जे जे प्लस वन होता है। कुछ याद आ रहा होगा? कहीं स्पिन्स की बात होती तो एस एस प्लस वन, अंदर की कहानी बदलती जाती है जिसका स्पिन चेक करना है। कहानी एंगुलर मोमेंटम की यही आती है अलग अलग दुनिया में, समझ रहे होंगे, बड़ा फेमस फॉर्मूला है ये, जमूरा बदलता जाता है बाकी कहानी सेम है। अब वो ध्यान दें, हर न्यूक्लियाई का अपना एक क्या है? न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो आपको जिस न्यूक्लियाई का आई पता करना है उसका ये वैल्यू पता होना चाहिए। इस डाटा का भाग तो निकल जाएगा कि ना आई। अब समझदारी तो इसमें है कि जब मैं इनको याद करूंगा तो आई निकालूंगा, डायरेक्ट आई याद रख लूंगा ना उसका। आ बैल मुझे मार, आई एम राहुल गांधी, ये कौन सा तरीका हुआ भाई? पैटर्न क्लियर? मैंने क्या बोला है? बहुत सिंपल लहजा है, एच अपॉन टू पाई रूट आई आई प्लस वन। तो ये वैल्यू पता है तो ये निकलेगी, और कोई वो रास्ता नहीं है कि साहब न्यूट्रॉन प्रोटोनों की संख्या को देख के मैं आई बता दूंगा किसका क्या है। अगर दो चार का मिल भी जाता है तुम्हारी सोच के अकॉर्डिंग तो वो तुक्का है, वो कोई रूल नहीं है, फंस जाओगे उसके चक्कर में। पी याद होना नहीं है तो बेटर है ना उसका डायरेक्ट याद आई याद कर लेंगे, टेंशन ही मत लो। एक बार जो क्वेश्चन आ गया वो जिंदगी भर आई याद रहेगा। तो फेमस न्यूक्लियाई का आपको पता होना चाहिए, कोई अननोन न्यूक्लियाई देगा तो ब्रैकेट में अपने आप लिख के देता है कि इस न्यूक्लियाई के लिए आई का मान ये है। वो आपकी याददाश्त चेक नहीं कर रहा, वो चेक कर रहा आपका कॉन्सेप्ट। यहां पर जीके का पेपर थोड़ी लेना है उसको। डन है मेरी बात यहां तक? कंक्लूड करूं फॉर्मूलों को? क्या यहां तक के फॉर्मूलों में किसी को कोई दिक्कत? देखिए जरा क्वेश्चन क्लियर यहां तक क्या है, आ जाइए। तो फाइनली रिलेशन क्या आ गया हमारा? हमने कहा था गामा, हाँ जी, एच क्रॉस जी बीटा के बरोबर था। पीछे लिख के आया था मैं, आपको ध्यान करो, अरे पढ़ा था कि नहीं? अभी पीछे रिलेशन लिख के आ रहे हैं अपन बार बार से में, कि मैं जी बीटा को गामा एच क्रॉस लिख सकता हूं। जी बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? गामा एच क्रॉस। डन है, आ जाइए, बाकी सब ठीक है। एक और फॉर्मूला आता है, आप जानते हो सब लोग, हम कई बार फ्रीक्वेंसी की जगह ये यूज करते हैं ओमेगा, बहुत फेमस है, टू पाई न्यू को बोलते हैं अपन। यहां पर इसे मैं लार्मोर फ्रीक्वेंसी या प्री सेशनल फ्रीक्वेंसी के नाम से जानूंगा। ये वही है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं नॉर्मल 2 पाई न्यू को। अरे ये तो अपनी हर्ज और मेगा हर्ज में होती है, ये रेडियन पर सेकंड में होती है। तो एनएमआर में बहुत बार इस शब्द को यूज करेगा वो, लार्मोर फ्रीक्वेंसी। होती क्या है अभी एक मिनट में समझाऊंगा मैं इसे आपको, लार्मोर फ्रीक्वेंसी या प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू तभी होगी जब इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड में होगी।
किसमें होती है? रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? अगर आपको सीधे हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज बोलता है तो समझ जाना ये नहीं दिया, यही दिया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की वही कहानी है, यूनिट देख के डिसाइड होता है कि दिया हुआ क्या है। अगर मेगा हर्ट्ज में मामला आ रहा है, हर्ट्ज में आ रहा है, तो समझ जाना ये दिया है। मेरा मुद्दा समझ आया? चाहे वो उसका नाम क्या बोले, प्रीसेशनल फ्रिक्वेंसी, लार्मोर फ्रिक्वेंसी, हम तभी ओमेगा मान के न्यूमेरिकल करेंगे जब मामले में रेडियन शब्द आ जाएगा। वरना अगर पर सेकंड, पर सेकंड तो हर्ट्ज का ही तो नाम है, तो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज शब्द आए तो आप क्या मानते हो करेंगे कि दिया हुआ न्यू है ना कि ओमेगा है। डन है भाई रिश्ता? किसी को कोई डाउट? तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2π न्यू। किसी को कोई डाउट? आइए जरा तो देखिए, आपने ये जो फ्रीक्वेंसी थी न्यू, इसको क्या लिखा था? गामा एच एच नॉट अपॉन 2π। कुछ याद आ रहा होगा, लिखा था कि नहीं लिखा था? गामा एच एच नॉट अपॉन 2π लिखा था आपने। किसको? डेल्टा ई को लिखा था, सॉरी डेल्टा ई को। एच न्यू एच एच कट गया ना दोनों साइड का, एच न्यू का नाम था गामा एच एच नॉट अपॉन 2π, एच सी एच कैंसिल हो गया था। अब आप देखो जरा, क्या मैं इसको ओमेगा के साथ कोरिलेट कर सकता हूं कि नहीं? ये रहा रिश्ता, गौर से देखिए। नहीं समझे? अरे यार, न्यू को आप ओमेगा अपॉन 2π लिख सकते हो कि नहीं? और ये न्यू ही तो है, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे। बहुत ही शानदार काम है इसका। तो आपके पास 2 मिनट का समय है, आप सारे फॉर्मूले एक बार इन्हें के लर्न करो जरा से, जो अभी दिए लिख लिख के बिगर देखें, और फिर इन पे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कि क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या अब तक बन चुके। ये ऑन टिप्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से आता है अक्सर कंपटीशन के अंदर, हमारे पार्ट में 3 एरिया में बांटता है वो, इनऑर्गेनिक एनएमआर, ऑर्गेनिक एनएमआर और फिजिकल एनएमआर। अक्सर इनऑर्गेनिक एनएमआर में ऑर्गेनोमेट्रिक या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कंपाउंड के एनएमआर के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ऑर्गेनिक एनएमआर में अक्सर स्ट्रक्चर रोटेशन से क्वेश्चन पूछता है आपसे। और फिजिकल एनएमआर वाला जो पार्ट है, मींस न्यूमेरिकल पार्ट जो एनएमआर का आता है, वो इस एरिया से आएगा जो अभी तक अपन ने न्यूमेरिकल्स किए हैं और अब तक क्या आ चुके उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो आप एक बार फटाफट बिगर देखें इनको लर्न करो ताकि हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनएमआर फ्रीक्वेंसी, मेगा हर्ट्ज में इसका मतलब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला रेजोनेंस कंडीशन वाला फॉर्मूला है अपना, ऑफ द प्रोटॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंसिटी इतने टेस्ला। इसका मतलब एच नॉट दिया हुआ है, टेस्ला में आपको दिया हुआ है जी फैक्टर का मान, आपको दे रखा है बोर मैग्नेट्रॉन, न्यूक्लियर बोर मैग्नेट्रॉन का मान आपको पता है। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? न्यू इज इक्वल्स टू जी बीटा एच नॉट बाय एच। अब बीटा की जगह आप म्यू एन लिख सकते हो, एक ही बात है वो, इसको स्टाइल से लिखने होता है ऐसे, स्टाइल मार दो और है क्या इसमें, ये लो जी 5.585, आपको पता है यूनिट लेस होती है, न्यू 5.05 × 10⁻²⁷ जूल पर टेस्ला, एच नॉट ये गिवन है आपको कितना, ये रहा टेस्ला में 1.4092 टेस्ला। अब अगर एक डाटा गॉस में एक टेस्ला में होता, जैसे सपोज करो ये गॉस में दे रखा होता, तो आपको पता है 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते ही अपना काम हो जाएगा, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, याद आ गया होगा। तो यूनिट कन्वर्जन सिंपल सा, एक यूनिट कन्वर्जन आया मेरे पूरा, बाकी तो सब एज इट इज चल रहा है। आइए अपॉन एच 6.6 × 10⁻⁶
माइनस 34 जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट होती है, बात क्लियर है? ओके, जूल सेकेंड, कई लोग जूल पर सेकेंड कर जाते हैं भैया, जूल सेकेंड होती है यूनिट। आइए सबसे पहला काम क्या करेंगे, यूनिट सलटाएंगे। अगर वो कट रही है तो सब ठीक है, कट के अगर वो नहीं बच रहा जो चाहिए तो भूल जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? ये डाटा हर्ज में आना चाहिए, मेगा हर्ज तो हम बना लेंगे 10^6 का भाग देके, हाँ कि ना? चलिए काम पे चलते हैं। देखिए जूल से जूल कैंसिल, टेस्ला इनवर्स और टेस्ला कैंसिल, क्या रह गया? सेकंड रह गया नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पर सेकंड। पर सेकंड का नाम ही तो हर्ज होता है, जनरल स्पेक्ट्रम में बात की थी कि पर सेकंड बोलूं, हर्ज बोलूं या साइकिल पर सेकंड सीपीएस बोलूं, एक ही बात होती है, तीनों टर्म सेम है। यूनिट क्या बच रही है? पर सेकंड। पर सेकंड का नाम ही तो हर्ज है, इसका मतलब सब कुछ सही रखा हुआ है। अब तो जो करना है वो आप समझ गए होंगे, इसे सॉल्व करो बैठ के। न्यू का मान, इसका न्यू का मान 5.585 इंटू 5.05 इंटू, हाँ जी 1.4092 डिवाइडेड बाय 6.6। लगभग आ रही होगी 6.02 इंटू 10^2। अब पावर चेक कर लो, ऊपर पावर है 10^-27, नीचे है -34, ऊपर जाएगी तो प्लस की 34, इसका मतलब प्लस का 7 एक्स्ट्रा बच गया 10^7। वैल्यू को जब करूंगा तो इसको लिख सकता हूं मैं 60.2 इंटू 10^6, और 10^6 को मैं लिख सकता हूं, तो ये हर्ज में है, आप लिख सकते हो 60.2 मेगा हर्ट्ज। 10^6 को हटाओगे तो मेगा हर्ट्ज आ जाएगा कि यही आ रहा है भाई सबका, 59.60 के आसपास आ रहा होगा रफली, अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अपन। क्लियर है, पैटर्न समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान रहे H1 NMR मिनिमम 60 मेगा हर्ट्ज पे ही काम कर सकता है, उससे नीचे काम नहीं करता है। तो एक NMR इंस्ट्रूमेंट जो है H1 NMR 60 मेगा हर्ट्ज उसकी बेसिक ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है, उससे ऊपर वाला तो ले सकते हो आप, 50 मेगा हर्ट्ज का नहीं लोगे, 100 मेगा हर्ट्ज का NMR मिलेगा, 150 का, 200 का, 250 का, 300 का सब मिलेंगे, 500 मेगा हर्ट्ज तक है, फिर बात करूंगा आगे चल के कि क्यों 800 मेगा हर्ट्ज या 1000 मेगा हर्ट्ज या 2000 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट अभी तक नहीं है, जब इसकी डिस्कशन की बात आएगी तब बात करूंगा, अभी इस पर बात नहीं करूंगा मैं। क्लियर, अभी हम बेस न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए कैसे करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, नेक्स्ट क्या है अपना, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द NMR फ्रीक्वेंसी फॉर F19 एटम एट 60 मेगा हर्ट्ज। आपको F19 के लिए G का मान दे रखा है, आपको F19 के लिए म्यू का मान दे रखा है, म्यू का मतलब बोर में न्यूक्लियर बोर मैग्नेट्रॉन, जिसको आप बीटा कहते हो उसका मान, बीटा का मान फिक्स रहता है कोई भी न्यूक्लियाई हो, पर जी का मान अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग होगा। डन है, आपके क्या पूछा है? एच नॉट पूछा है जी। देखिए क्या करोगे, H नॉट इज इक्वल टू H न्यू अपॉन G बीटा, इसी को आप स्टाइल से H न्यू अपॉन G एन म्यू एन बोलते हो, सिंबल बदले हैं बाकी कहानी तो वही है, G का और बीटा का मान दे रखा है, जिसको बीटा बोलते हैं ये म्यू बोलते हैं।
अरे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से निकाल लिया, एच इज इक्वल टू जी बीटा एच नॉट अपॉन एच, एच को उधर भेज दिया और जी बीटा को अपॉन में भेज दिया, तो एच नॉट बच गया कि नहीं? डन है फॉर्मूला, आइए रखो वैल्यू, एच 6.6 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 60 × 10^6 हर्ज, हर्ज बोलू या पर सेकेंड बोलू भाई एक ही बात है, अपॉन जी का मान दे रखा है आपको 5.257 और न्यू का मान दे रखा है 5.05 × 10^-27 जूल पर टेस्ला। अब गौर से देखिए एक मजेदार चीज देख रहे हो आप, आपका जी का मान हाइड्रोजन का 5.5 समथिंग था, इसका 5.25 समथिंग है, मिस बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो मामला तय है कि H1NMR और F19NMR के इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। जब H1NMR वाले इंस्ट्रूमेंट से मुझे F19NMR लेना है तो इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों? उनके जी के मान ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी ऑलमोस्ट सेम होगी, इसका मतलब अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट सेम आनी है। देखो गौर से, वही 60 MHz का मुद्दा उठ रहा है, इसका मतलब एच नॉट लगभग उतना ही आना है जितना पिछले क्वेश्चन का एच नॉट था, उससे थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि इसका जीएन थोड़ा सा कम का मामला था। कुछ समझे आए दुनिया? वहीं आएगा बिल्कुल 1.4 के नियर बाई, चेक कर लो। खैर किसे समझा रहा हूं, तुम तो अपना काम करो, मेरा काम क्या है, सिर्फ यूनिट चेक करानी है कि मामला ठीक है कि नहीं। देखो पर सेकंड और सेकंड गया, क्लियर? देखिए जूल को, ये जूल नीचे वाले जूल से गया, क्या बच गई यूनिट? टेस्ला इनवर्स। ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? टेस्ला, एच नॉट का मान टेस्ला में ही तो आता है। अब अपने चालू हो जाइए, तो अगर कैलकुलेटर बहुत ज्यादा यूज किया तो तुम्हें क्वेश्चन तो आ रहा होगा पर एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि लिखने के नंबर नहीं है ना, वो तो आंसर टिक करने के नंबर होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर, तो हम यहां तक तो पहुंच जाएंगे, उसके बाद इंतजार करेंगे कोई हमें कैलकुलेटर ला के दे, 3 घंटे बाद मिलेगा सबको। तो कई बार हम ऐसे भी फंसते हैं, इसलिए कह रहा हूं ठीक है जब क्लास चल रही है उस समय आप यूज कर लो क्योंकि हमें स्पीड की जरूरत है, लेकिन घर पर डेली 3 न्यूमेरिकल बिगर कैलकुलेटर के यूज करने हैं, आदतें जिंदा रहेंगी बच जाओगे, वरना आते हुए भी न्यूमेरिकल सेक्शन छोड़ दोगे आप एग्जाम में, आधा सा फोबिया तो यूनिट का होता है जो का कोई लेना देना ही नहीं है, और रासा काम ये देता है कि हमें तो 3 का भाग देना ही नहीं आता। क्या छोड़ो, मुझे भी क्या करना है, देखो एच नॉट का मान कितना आ रहा है जरा सॉल्व करके देखो, भाग दे लोगे, वही 1.41 के नियर बाई आ रहा होगा, 1.49 यही आ रहा है अभी सबका, वो ठीक है 1.491 1.49 कुछ नहीं है, यहां लहरिया बना दिया करो, लहरिया लगभग इतना, 7 खून माफ हो जाते हैं, फिर 1.49 भी चलेगा, 1.491 भी चलेगा, फिर 1.48 समथिंग भी चलता है, फिर डन है, कर लोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो दो वैरायटी क्या पढ़ी हमने, एच नॉट दे देगा फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा ऑपरेटिंग, एच नॉट का मान पूछ लेगा। तीसरे पैटर्न की तरफ मूव करते हैं, देखिए क्वेश्चन को क्या है, एट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 MHz 40.06 MHz द फील्ड स्ट्रेंथ इज 1.0 टेस्ला, उल्टा बोल सकते हैं 1.0 टेस्ला फील्ड स्ट्रेंथ पर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की इतनी है, कैसे भी बोल लो एक ही बात है, क्वेश्चन का रिपीटेशन हो जाएगा। कैलकुलेट गामा ऑफ F19 न्यूक्लियाई, दिया हुआ है ये, देता रहे कोई मतलब ना है आपको, जरूरी नहीं कि दिए हुए हर डाटा को यूज किया जाए,
तो वो आदत निकाले कि जो दे रखा है सबको यूज करके सॉल्यूशन करना है, आपका सॉल्यूशन निकाल देगा वो। देखिए हम कह रहे हैं कि आपको पता है न्यू इज इक्वल टू गामा एच नॉट अपॉन टू पाई होता है, बड़ा फेवरेट फॉर्मूला है ये, अभी किया था थोड़ी देर पहले, क्लियर। गामा दे रख, गामा पूछा है, एच नॉट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या जान लेंगे हम इस बेचारे की क्या हुआ है? क्या कह दोगे? गामा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू अपॉन अपना क्या बोलते हैं 2 पाई न्यू अपॉन एच नॉट, याद ना 2 पाई न्यू को प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी बोलते हैं, तो ओमेगा अपॉन एच नॉट भी बोलते हैं, ओमेगा गामा एच नॉट का मान होता है एक्चुअल में, तो चूंकि ओमेगा दे रखा होता तो मैं वैसे करता है इसको। खैर आइए देखिए, अब मजेदार चीज क्या है मैं उसे समझा रहा हूं यहां पर। गामा इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, हाँ जी, इंटू न्यू कितना है 40.06 इंटू 10 to power 6 हर्ज, मेगा को हर्ज में कन्वर्ट करना है, और हर्ज की जगह आप क्या लिख सकते हो पर सेकेंड। ओके हो गया, अपॉन एच नॉट, एच नॉट कितना है 1 टेस्ला, तो देखिए 1.0 टेस्ला, टेस्ला ऊपर जाएगा तो टेस्ला इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स पहले से ही है, यूनिट क्या आएगी टेस्ला इनवर्स सेकेंड इनवर्स, गामा की यूनिट यही तो लिखी थी अपन ने, कोई डाउट किसी को? डन है मामला है। आइए जरा, अब तो मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई करना है, गुने का भी कोई काम नहीं है, अब भी ना हो तो आई हेट सच टाइप ऑफ थिंग्स। कर लेंगे, वैल्यू आएगी अप्रोक्सी 251.57 इंटू 10 to power 6 टेस्ला इनवर्स सेकेंड इनवर्स, रफली इतनी आ रही होगी, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितनी 251.57 इंटू 10 to power 6 डन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके पैटर्न का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गौर से इसमें, गिवन क्या है, गिवन ये गिवन नहीं, सॉल्यूशन में क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको दिया हुआ है म्यू एन का मान 5.05 इंटू 10 to power -27 जूल टेस्ला, जूल पर टेस्ला, और आपको दिया हुआ है गौर से देखिए म्यू का मान 1.1305 म्यू एन, म्यू एन के रूप में वैल्यू दे रखी है, इतने म्यू एन के बराबर है म्यू का मान। अब म्यू एन को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसी को तो आपने बीटा बोला हुआ है, तो आप इसको 1.1305 बीटा बोल सकते हो, क्योंकि अपन म्यू बोर मैग्नेट्रॉन को बीटा लेना पसंद करते हैं, तो वो सिंपल है आपका, आपकी मर्जी आप क्या बोलते हो, समझ गए होंगे। अपन जी बीटा एच नॉट बोलना पसंद करते हैं, ये जी न्यू एन न्यू बीटा बोलना पसंद करते हैं, जिसको बीटा बोलते हैं इसको ये बोर मैग्नेट्रॉन न्यू से देते हैं, सिंपल सिंपल का खेल है, डन। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने सुना है कि म्यू जो होता है वो तो जी बीटा आई होता है, अब देखो P31 है तो ये तय मानिए कि आई इज इक्वल टू हाफ होता है, P31 जो न्यूक्लियाई होता है उसके लिए न्यूक्लियर स्पिन आई का मान हाफ होता है, F19 के लिए हाफ होता है, H1 के लिए हाफ होता है, C13 का हाफ होता है, Phosphorus 31 का भी हाफ होता है, ये चार बेसिक न्यूक्लियाई जिनको हम पढ़ते हैं आई हाफ में। अब जरा गौर से देखिए, चूंकि जी का मान तो पूछा है इसलिए याद है, जी तो लिख नहीं सकता, ये दिया हुआ है, ये रहा
तो जी तो यहां से निकल जाएगा मेरा। कैसे? जी इज इक्वल टू म्यू अपॉन बीटा आई। इस म्यू का मान बीटा के रूप में तो दे रखा है, बीटा बीटा कट जाएगा, तो 1.01 ये 5 अपॉन हाफ। खैर इतनी देर में तो मैं कर ही दूंगा। सो जी क्या हो गया भाई? म्यू अपॉन बीटा आई। बीटा आई लिखे, म्यू एंड आई लिखे, एक ही बात है वो। क्योंकि म्यू म्यू में आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बीटा शब्द यूज करना पसंद कर रहा हूं। आइए जरा, म्यू का मान कितना है? 1.1305 बीटा। और नीचे कौन है? बीटा इंटू आई हाफ। मेरे ख्याल में सल्टा दो, अच्छा मौका है, बीटा से बीटा तो आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा मान। बीटा से बीटा चल बसा, अपॉन हाफ है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू को डबल कर दो, करो दुगना। एक का दुगना दो होता है, 13 का दुगना 26 होता है, 5 का दुगना 10 होता है। बात समझ आई? किसका मान आ गया? जी का मान आ गया। गौर से देखिए, 2.2610। बोल साहब यूनिट? यूनिट है कहां? यूनिट बीटा के पास थी, बीटा तो आपस में कट गए, तो यूनिट भी तो साथ में कट गई दोनों की। जी तो यूनिट लेस है। क्या जी आ गया तुम्हारा? फेमस फॉर्मूला जी बीटा है। अब देखो क्या चाहिए? गामा। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अब तो तुम्हारे पास जी भी आ गया। खैर देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या हैं, जरा दिमाग लगाएं। हमने ये भी पढ़ा है अभी, जी बीटा आई। मैंने सुना है जी बीटा को तो गामा एच क्रॉस कहते हैं अपन, तो इसकी जगह आप गामा एच क्रॉस आई लिख सकते हो कि नहीं? ये लो जी, एच क्रॉस तो सारी दुनिया जाने, गामा निकालना है, आई दे ही रखो है। विदाउट यहां से क्या निकल जाएगा? गामा। गामा क्या हो गया है? हाँ जी, म्यू अपॉन एच क्रॉस आई। म्यू कितना है भाई? रहने दो, तुमसे पूछने से फायदा क्या? अभी दिया है 1.1305। हाँ जी, कितने किसके रूप में दिया है? बीटा के रूप में। इतने बीटा को बोला है अपन ने। अपॉन एच क्रॉस क्या होता है? एच अपॉन 2π इनटू हाफ। समझ गए होंगे, ये 2π भी ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और हाफ का 2 भी ऊपर जाएगा, तो सीधा सीधा सा मामला क्या हो गया? 1.1305 बीटा इनटू 4π अपॉन एच। मेरे ख्याल में मैथमेटिकल वैल्यू रख लोगे अब तो आप। बीटा का मान दिया हुआ है 5.05 10 to 2, मैं ही रख देता हूं, इतना तुम्हें तकलीफ देने से कोई मतलब ही नहीं है। इंटू 4 × 3.14 अपॉन एच 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। मेरे ख्याल में समय आ गया है कि इनको सल्टा दिया जाए। सल्टने के नाम पर जूल जूल जाएगा। टेस्ला इनवर्स ऊपर बैठा है, सेकंड ऊपर जाके सेकंड इनवर्स हो जाएगा। यूनिट क्या नहीं है? टेस्ला इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका मतलब हम गामा की सही यूनिट पे पहुंच गए। अब तो मजदूरी बची है, आई थिंक काम तो हो गया इसका। क्लियर? तो आप फील करें कि मैंने आंसर लिखा है टेस्ला इनवर्स सेकंड इनवर्स ENS। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये तो प्लिंथा ब्लैंक है, यहां पर क्या बनू, वरना गोला तो मैंने लगा ही रखा है आपका। कर दोगे भाई? कोई डाउट? 10.83 10⁻⁷ अगर
अगर मैं सही हूं तो लगभग इतना आएगा। कर लेंगे यहां तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द न्यूक्लियर जी फैक्टर फॉर F19 न्यूक्लियाई हैव मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ 2.6273 म्यू। अगेन न्यूक्लियर मैग्नेटॉन बोर मैग्नेटॉन के रूप में दिया है अपन को म्यू का मान। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या कहता है अपना कि गिवन क्या है आपको, म्यू का मान दिया हुआ है 2.6273 म्यू एन, जबकि आपको पता है इसी को आप क्या लिख सकते हैं 2.6273 बीटा, क्योंकि अपन म्यू एन को बीटा लिखना पसंद करते हैं। अब हम जानते हैं कि जी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल्स टू जी बीटा आई होता है। सो जी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू अपॉन बीटा आई। आइए जरा बीटा, म्यू कितना है 2.6273 बीटा अपॉन बीटा आई, बीटा से बीटा गया, मामला क्या रह गया 2.6273 अपॉन आई, और इसको लिख सकते हो 2.6273 अपॉन 1/2। क्यों, गिवन में आपको ये भी पता है कि आई इज इक्वल टू 1/2 होता है, किसके लिए 4F19 वैल्यू जस्ट डबल कर दो, G इज इक्वल्स टू 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5.2546 यूनिट लेस है। ये अपना काम हो गया। क्या मेरी बात समझ आई कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, बड़े आसानी से इस तरह की वैरायटी को आप चेक कर सकते हो एग्जाम के अंदर। डन है भाई, क्लियर यहां तक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, जरा देखें यहां पर हो क्या रहा है। ये कह रहा है एनएमआर का मुद्दा उठ रहा है, इसको आपने बीटा स्टेट बोला था, इसको आपने अल्फा स्टेट बोला था, इसकी पॉपुलेशन को अपन एन बीटा बोलते हैं, इसकी पॉपुलेशन को एन अल्फा बोलते हैं, और आपको पता है कि एन अल्फा अपॉन एन बीटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाय केटी होता है। पर ये तो अपर स्टेट की पॉपुलेशन टू लोअर स्टेट की पॉपुलेशन है, अल्फा अपर स्टेट है और बीटा लोअर स्टेट है, जबकि आपसे पूछा क्या है लोअर स्टेट टू अपर स्टेट। मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा, आपसे क्या पूछा है एन बीटा अपॉन एन अल्फा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डेल्टा ई बाय के टी, माइनस की जगह प्लस, समझ गए होंगे। तो गलती कहां करवा रहा है, अगर इसका मान पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला सही है, इसका उल्टा पूछ रहा है तो ये मान निकाल लो, उसको 1/2 कर देना वैल्यू को, कैसे कर लो, या तो यहां प्लस कर लो या ये मान निकाल लो, जो मान आया उसको 1/2 कर देना, एन बीटा बाई एन हो जाएगा। मेरे बात समझ आई होगी। डेल्टा ही क्या है, इसी को तो डेल्टा ही कहा है अपन ने, कितना होता है जी बीटा एच नॉट होता है, जी का मान दे रखा है, बीटा जिसको ये न्यू एन कहता है दे रखा है, एच नॉट दे रखा है, कैस की जान लोगे, के बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है, केल्विन में लेना है 298 25 डिग्री दे रखा है 298 केल्विन, कर लेना, तो कितना अच्छा लगे, कर लेना जान निकल जाए एक्सपोनेंशियल सॉल्व करवाऊं। अब समझदार वैज्ञानिक होंगे तुम में से तो क्या करेंगे, तुम्हें पता है इसका मान 1 से 99 कम आता है तो इसका उल्टा मान 1 से 99 ज्यादा आ जाएगा, भूल गए शायद। अरे भाई क्या कह रहे हो, आपको पता है एन बीटा बाय एन अल्फा जिसको आपने एक्सपोनेंशियल डेल्टा ई बाय के टी बोला है, इसको आप रफली क्या लिखोगे 1 प्लस डेल्टा ई बाय के टी,
क्योंकि आपको पता है कि एनएमआर में ये वैल्यू बहुत छोटी होती है वन के कंपेयर में। तो आप तो डेल्टा ई वाई के टी का मान निकाल लो साइड में ले जाके, एक में जोड़ दो उस वैल्यू को, काम हो जाएगा। अब देखो डेल्टा ई बाय के टी क्या होगा, जी बीटा एच नॉट बाय के टी। जी कितना है 5.585, बीटा कितना दिया है आपको 5.05 × 10⁻²⁷ जूल पर टेस्ला। एच नॉट कितना दिया है 2 टेस्ला अपॉन, आप जानते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, नाम तो सुना ही है आपने, किसका, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का, हाँ जी 1.38 × 10⁷। जूल, हाँ जी पर केल्विन, और टी कितना है 298 केल्विन। हमारा जो काम है वो हम निभा देते हैं, हमारा काम है यूनिट को सल्टाना। देखिए केल्विन से केल्विन इनवर्स गया, जूल से जूल गया, टेस्ला से टेस्ला इनवर्स गया। यूनिटलेस वैल्यू होती है ये, क्योंकि केटी का मान जूल में होता है, गौर से देखो केल्विन केल्विन इनवर्स कट जाते हैं, केटी जूल में होता है, तो डेल्टा ई का मान भी जूल में होना चाहिए, हमेशा पॉपुलेशन में ध्यान रखना, क्योंकि ये रेशियो यूनिटलेस आना चाहिए। अरे पॉपुलेशन की यूनिट कैसे आ सके भाई, तुम्हारी संख्या कितनी है तो क्या लिखते हो, हम 15 केल्विन है या हम 15 लोग हैं, तो पॉपुलेशन पूछा, वो भी रेशियो, रेशियो तो कभी यूनिट में आ ही नहीं सकता, सेम चीज का रेशियो तो यूनिटलेस होता है। क्या किसे समझा रहा हूं मैं भी, और वो भी किस वक्त समझा रहा हूं, देखो गौर से, क्लियर है मेरी बात, मैंने क्या कहा है जरा ध्यान से समझो। अब हमारा काम तो खत्म, आप इसे बैठ के सॉल्व करें। तो आपका ये जो मान है डेल्टा ई बाय के टी, ये वैल्यू आई थिंक सो .00014 के नियर बाई आनी चाहिए, आप चेक कर लेना एग्जैक्टली, मैं ये कह नहीं रहा कि एग्जैक्टली ये आ रही है, सपोज इट ये आ रही है, तो आपका एन बीटा बाई एन अल्फा 1 + Δe/Kt था, तो 1 में ये वैल्यू जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1 से थोड़ी सी ज्यादा। अब आप देख लेना 0 ज्यादा लग गए हैं तो एक कम कर लेना, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, मेरा काम तो ऑफिशियली यहां खत्म हो गया, ये तो आपका काम है फिर बैठने। पैटर्न समझ आ रहा है, एक्सेस पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, हर पैटर्न ऑफ वैरायटी पे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मेरे क्वेश्चन का जो पैटर्न है, मेरे क्वेश्चन के जो पैटर्न्स हैं अभी और बाकी हैं, ये तो मैथमेटिकल पार्ट से क्वेश्चन थे, अब रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे। अभी तक अपन ने आई हाफ वाला एनएमआर देखा है कि रेजोनेंस कैसे होता है, क्योंकि वहाँ प्लस हाफ और माइनस हाफ एमआई होता है, लेकिन आई का मान अगर 1 हो, आई का मान 3/2 हो, तो एनएमआर की थ्योरी क्या कहती है, क्या डिफरेंस है उस एनएमआर थ्योरी में, क्या H1 एनएमआर में नीचे से ऊपर जाते तो एक ही सिग्नल आता है क्योंकि एक ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन अगर लेवल ये 2 लेवलों में टूटा था, जीमान लेवल्स 2 की जगह 3 में या 4 में, क्योंकि 2i+1 में टूटता है, आई 1 होगा तो 3 में टूटेगा, आई 3/2 है तो 4 में टूटेगा ये लेवल्स, तो क्या 3 ट्रांजिशन होंगे तो क्या 3 तरह के सिग्नल आएंगे एक साथ ही, या कुछ और है। ये एक फंडामेंटल रीजनिंग का क्वेश्चन है कि जब मैं H1 की जगह नाइट्रोजन 14 NMR ले रहा हूं, या मैं ड्यूटेरियम का NMR ले रहा हूं, या मैं बोरॉन 11 का NMR ले रहा हूं, तो मेरे NMR H1 NMR से किस तरह से डिफरेंस होगा, पहला क्वेश्चन दिमाग में, उस पर क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन उसके बीच में। दूसरा जो पैटर्न है हमारा वो है रीजनिंग वाला, जब मैं 2 न्यूक्लियाइज को एक ही इंस्ट्रूमेंट में काम लूं, जो मैंने आज बताया था उसमें
रेजोनेंस कंडीशन पे जो क्वेश्चन बनाया था कि जब एच नॉट कॉन्स्टेंट हो तो न्यूमरिकल कैसे बनेगा, और जब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट हो तो न्यूमरिकल किस तरह से बनेगा। दो डिफरेंट न्यूक्लियाई का एनएमआर एक ही इंस्ट्रूमेंट से लेना है, तो या तो इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है या फील्ड की स्ट्रेंथ सेम रखेंगे, तो उनकी जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशंस है उसमें क्या चेंजेज आएंगे जब दो डिफरेंट न्यूक्लियाई को आप कंपेयर करते हो। फेमस है H1 और C13 के बीच में कंपैरिजन पूछता है, लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। H1 F19 के बीच में पूछ सकता है, P31 H1 के बीच में पूछ सकता है, क्या फर्क पड़ता है। हमें गामा के मान देते जाओ, जी के मान देते जाओ, हमसे कोई सा भी क्वेश्चन कराते जाओ। पैटर्न्स ओके, इन पैटर्न्स के बाद फिर हम चलेंगे जो बेसिक एनएमआर है कि एनएमआर का सिग्नल आता कैसे है, वो तो क्लियर हुआ गुमशुदा की तलाश। पर सिग्नल एक आएगा कि एक से ज्यादा आएंगे, मीन्स आपका वो पॉइंट नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या इन्फॉर्मेशन देता है, सिग्नल की स्प्लिटिंग क्यों होती है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल से हमें क्या स्प्लिटिंग है वो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक शब्द आएगा कपलिंग कॉन्स्टेंट, उसका क्या रिलेशन है, क्या सूचना देता है, फिर स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे यूज करते हैं, और सो ऑन सो ऑन सो ऑन। फिर अदर हेट्रो एनएमआरस जो पढ़ेंगे, हम बेस लेके चलेंगे H1 एनएमआर, लेकिन बाद में इस H1 एनएमआर की बजाय P31 एनएमआर, नाइट्रोजन एनएमआर, ड्यूटेरियम एनएमआर, किसी का भी एनएमआर अगर हम देखेंगे तो किस तरह से, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनएमआर कंपेयर करेंगे, ऑर्गेनोमेटिक्स पे जाएंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे जाएंगे, उस तरह से मूव करते 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 कोशिश करेंगे कि इस साल ये पूरा हो जाए चैप्टर। नालायक को चलिए।